मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिए साथियों, तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि बनलाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये बनलाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको यहाँ चैप्टर वाइज बनलाइनर क्वेश्चन, जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5000 क्वेश्चन रटने बच्चे, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा है कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है दोस्तों, 100% गारंटी। सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी भी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 चलें और अपना साइंस में 25 में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, देखिए दोस्तों जीएस स्पेशल में अपन साइंस में जो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं गुरुत्वीय नियम से, क्या न्यूटन के गुरुत्वीय नियम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो देखते हैं। देखिए पहला, गुरुत्वीय त्वरण जो जी है पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो भाई ये भी तो क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, ये आपकी आपका सही है। और सी नंबर की अगर बात करें तो देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी जो है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, सही है। डी नंबर क्या है, देखिएगा, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, गलत। अगर पिंड त्वरण के साथ अगर ऊपर जा रही है तो जो हमारा भार है वो आभासी भार से ज़्यादा महसूस होता है, तो डी गलत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही पूछे कौन सा गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा, चलिए बताइएगा। हाँ यदि पृथ्वी पर आपका वजन जो है 38 किलो है तो बुध पर आपका वजन, देखिए एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है, एनटीपीसी प्री में क्वेश्चन आया था। तो पृथ्वी पर आपका वजन अगर 38 किलो, तो देखिएगा बुध ग्रह पर अगर बात करें तो उस पर वजन आपका हो जाएगा 14 किलो 300 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 किलो 300 ग्राम हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण नितांक जो है जी का जो एसआई मात्रक क्या है, जी का एसआई मात्रक बताना है। सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण नितांक जो है जी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम कल भी इसको बता चुके हैं, मतलब पहले ही बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। देखिए जी का मान कैसे निकालते कैसे हैं, देखिए होता क्या है, एफ बराबर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है आपका जी एम वन एम टू अपान क्या आर स्क्वायर। देखो एफ मतलब हो जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर यहाँ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर एम दो बार एम है तो किलोग्राम स्क्वायर नीचे आएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं किलोग्राम का माइनस दो, तो जी का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या होगा राइट आंसर बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नहीं करना ये दे। हाँ देखिए, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक कण वस्तु को आकर्षित करती है, मतलब जो ब्रह्मांड की सभी वस्तु क्या हैं एक बल के साथ अन्य वस्तु को क्या करती हैं आकर्षित करती हैं, तो इसमें आपको बताना है आकर्षित करती हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो होता क्या है देखिए बता देते आपको हम, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात होता है और बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाति, कैसे देखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है अनुक्रमानुपाति, एफ अनुक्रमानुपाति होता है m1 और m2, अगर दो वस्तु हैं
अब बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इस तरह से बनेगा। तो पहला तो सही है, दूसरा क्या है दोस्तों, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, भाई दोनों चीज़ तो वही लिखी हैं तो दोनों सही हो जाएगा। ए और बी नंबर सेम लिखे हैं तो दोनों सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, देखिए गुरुत्वाकर्षण नितांग जो जी है इसका मान आपको बताना है, किसका गुरुत्वाकर्षण नितांग जी का मान बताना है क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा, देखिए जी का मान हम बता देते हैं आपको, इकाई पहले देख लीजिए इकाई, तो जी का जो इकाई होता है यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इकाई कहाँ पर दिया है आपको। चलिए तो ये इकाई दिया कहाँ पर है ये देख लीजिए, देखिए पहले में तो गलत हो जाएगा, न्यूटन नहीं दिया है तो पहला तो गलत है, दूसरे में न्यूटन नहीं दिया गलत है, तीसरे चौथे दोनों में न्यूटन दिया है। देखिए जब बटे लगाते हैं, याद रखिए जब बटे लगाते हैं तो घात माइनस में नहीं होता है, घात क्या होगा प्लस में, तो डी नंबर। देखिए अगर आपको मान याद नहीं है तो दोस्तों, अगर आपको मान याद नहीं है तो देखिएगा यूनिट से आपको समझ में आ जाएगा, यूनिट देख के आप पता लगा लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण निर्भर नहीं करता, मतलब किस पर निर्भर नहीं करता, देखिए किस किस पर निर्भर करता है ये बता देते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, और गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। देखिए उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, हाँ करता है, पूछा क्या है नहीं करता, तो उसे तो करता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर तो ये भी करता है, द्रव्यमान के गुणनफल पर। गुरुत्व स्थिरांक, भाई यहाँ से जो अपन जो अनुपातिक चिन्ह हटाएंगे जब, है ना, तो क्या आ जाएगा जब ये हटाएंगे अपन तो ये गुरुत्व स्थिरांक आ जाएगा, क्या जाएगा गुरुत्व स्थिरांक। द्रव्यमानों के योग, भाई द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता, तो ये तो गलत है डी नंबर, तो यही तो पूछा क्या गलत है, तो यार डी नंबर इसका गलत है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल क्या प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों के बीच जो है बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइएगा। गुरुत्वीय त्वरण चार गुना में बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण दो गुना में बढ़ जाएगा, बताइएगा हम क्या कर रहे हैं बीच की दूरी को दोगुना कर रहे हैं। अब समझिएगा यहाँ पर होता क्या है, एफ अनुक्रमानुपाती होता है वन अपन आर स्क्वायर होता है, अब बीच की दूरी को दोगुना कर दोगे आर, जब अगर हम टू आर करते हैं तो टू आर का जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा वन अपन आ जाएगा फोर आर स्क्वायर। देखो दूरी को हम क्या कर रहे हैं, बीच की दूरी को हमने दोगुना कर दिया तो एक चौथाई हो गया, जो एफ का मान कितना हो गया, एफ का मान आपका एक चौथाई हो जाएगा, तो अपन क्या लगाना है गुरुत्वीय बल जो है चार के गुणा में कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा चार के गुणक में क्या जाएगा, मतलब एक बटे चार हो जाएगा, इसको बोलते हैं चार के गुणक में कम हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को बल के साथ आकर्षित करती है जो किसके वर्ग के अनुपात, किसके वर्ग के विपरीत अनुपात होता है, तो हम बता चुके। देखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन ना ये सूत्र आपको याद कर लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर। तो देखो विपरीत अनुपात किसके, दूरी के, उनके मध्य दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, उनके मध्य दूरी के हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाए पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। दो वस्तु हैं एक का द्रव्यमान दोगुना कर रहे हैं एफ टू एम वन कर दिए, बाकी एम टू सेम है आर स्क्वायर। देखिए अगर हम द्रव्यमान एक का दोगुना कर रहे हैं तो एफ का मान गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो दोगुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, अगर हम एक का द्रव्यमान दोगुना करेंगे तो दोगुना हो जाएगा, अगर दोनों का द्रव्यमान हम दोगुना कर रहे हैं तो दो दूनी चार, तो चार गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बोला है एक का द्रव्यमान हम दोगुना कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो किसके समानुपाती होती है, बताइएगा किसके समानुपाती होती है, तो उनके द्रव्यमानों के गुणक, किसके उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती,
इसके दोस्तों उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको देखना है। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान, क्या है क्वेश्चन क्या है दोस्तों ध्यान समझिएगा, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को तीन गुना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को कर दिया तीन गुना कर दिया जाए, तो दोनों वस्तुओं के बीच बल हम क्या कर रहे हैं, तीन गुना कर रहे हैं। आप समझिएगा, तो तीन गुना कर रहे हैं दोनों का, तो पहला का भी तीन गुना और दूसरा का भी तीन गुना, तीन त्रिकाई कितना, तो बल कितना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल नौ गुना हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है, तो कितना हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल आपका है ये नौ गुना हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल निम्न वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे ग्रहों में नहीं होता है। बताइएगा, तो ये चीज़ बताना है। देखिए प्रत्येक हर एक जो दोनों वस्तु है ना, उन दोनों के बीच की दूरी ये अपन लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या बोलते हैं, बल को भार बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, तनाव या आवेग बोलते हैं। देखिए तो ये इस प्रकार से एक भार है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये एक प्रकार से भार है। क्या है ये, एक प्रकार से भार है, आप याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल है तभी ना किसी वस्तु का पृथ्वी पर क्या है, हम भार निकाल पाते हैं, क्या निकाल पाते हैं, उसका भार निकाल पाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण। नेक्स्ट देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, हाँ गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, क्या गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया जो कार्य है किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है दोस्तों आपके वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों पर, क्या हाँ ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों पर निर्भर करता है, ये एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नितांक जी की खोज किसने किया, बताइएगा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नितांक जी है ना, इसकी खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश साहब ने, किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने किया। तो ये याद करने वाली बात है, तो ये कैवेंडिश साहब ने और क्या किया, हाइड्रोजन की खोज पूछेगा तो कैवेंडिश ने किया है, क्या हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया है। देखिए आइजैक न्यूटन ने क्या किया, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, क्या दिया दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। देखिए नेक्स्ट, जॉन डाल्टन दिया है डी में, तो जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है। नेक्स्ट देखिए अगला, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक जो नियम है, क्या है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम निम्न पर लागू होता है, किस पर लागू होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, तो ये आपका लागू होता है आपका वस्तुओं के किसी भी युग्म, क्या है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। नेक्स्ट, एफ बराबर जी एम अपान डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहते हैं, तो हम पहले भी बता चुके हैं जो जी है ना इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नितांक, क्या गुरुत्वाकर्षण नितांक बोलते हैं इस जी को, तो क्या हाँ ए नंबर राइट आंसर, सभी का राइट आंसर है, तो जितने लोग ए कर रहे हैं सभी का सही, इसमें जो जी है ना ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, क्या है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चलिए आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट का। कौन सा कथन गलत है, देखिए पहला तो सही है, दूसरा देखिए सही है, देखिए तीसरा में क्या लिखा है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है प्रयोगशाला में ही मान है, नहीं सब जगह मान है, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम है सब जगह मान है, तो ये सी तो गलत हो जाएगा, क्या है सी आपका गलत है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, क्या दो कणों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाए तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भैया इनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य या समान, हम बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं, तो देखिए अगर बीच की दूरी बढ़ाओगे ना, एक चीज़ समझिएगा, वन अपान आर स्क्वायर होता है, और जब विपरीत अनुपात में है, क्या है जब विपरीत अनुपात में है, चलिए देखिए
बीच, अब दूरी क्या है, व्युत्क्रमानुपाति एफ अनुक्रमानुपाति वन अपान आर स्क्वायर। तो जो विपरीत अनुपात में होता है व्युत्क्रमान, जो व्युत्क्रम अनुपात में होता है अगर उसको बढ़ाओगे तो एफ का मान घटेगा। तो बीच की दूरी अगर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल का मान आपका कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना द्रव्यमान को हम आधा कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके द्रव्यमान को आधा कर रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो आप देख लीजिए एफ बराबर एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। अब द्रव्यमान एम है तो एम बटे हम दो कर रहे हैं, इसको भी दो कर दो, दूनी चार, तो एक बटे चार हो जाएगा ना, तो एफ का मान क्या हो जाएगा, तो एफ का मान एफ बटे चार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ बटे चार हो जाएगा। तो डी, डी इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण संभव है। देखिए पृथ्वी अपने को आकर्षण करती है ना, गुरुत्वाकर्षण, यही आकर्षण है पृथ्वी का, क्या है ये, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। तो पृथ्वी अपनी ओर कोई वस्तु आकर्षित कर रही है तो समझ लिए गुरुत्वाकर्षण है वो, क्या है, गुरुत्वाकर्षण की देन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित नहीं है, बताइए क्या गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित नहीं है, तो ये आपको बताना है। देखिए इसे बता देते हैं आपको हम, वह बल जो हमें पृथ्वी और को बांधते तो सही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति तो ये भी सही है। भाई पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है तभी तो चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है, चंद्रमा उस सूर्य के कारण ज्वार, ये भी सही, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति करती है तो गलत बात है यार, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति नहीं करती, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है, तो डी नंबर ही तो गलत है, क्या डी नंबर, डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करते रहिएगा, गलत कथन बताना है, क्या है, गलत कथन का चुनाव करना है, तो क्या हो जाएगा गलत कथन बताइएगा। तो गलत कथन क्या है, वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, क्या है, वस्तु का जो भार है ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को सामान्य दूरी से 6 गुना कर रहे हैं, बीच की दूरी क्या कर रहे हैं 6 गुना कर रहे हैं, तो एफ क्या हो जाएगा। आप समझिए, जो दूरी होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जब जब व्युत्क्रमानुपाती होता है और वर्ग में होता है तो भाई 6 गुना करोगे तो 36 गुना हो जाएगा, होगा 36 गुना, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में है तो 1 बटे क्या करेंगे 1 बटे 36 गुना हो जाएगा। एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ का मान सिंपल सी बात है 1 बटे 36 गुना हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, सी नंबर 1 बटे 36 गुना हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, किन्हें दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, हाँ दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो हम बात अभी वैसे की डिस्कशन कहे के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, सौरमंडल, जैसे सौरमंडल में जो कण होते हैं ना, कण बाहर क्यों नहीं जाते, वायुमंडल में जो कण है, हवा है, बाहर क्यों नहीं जाती, क्योंकि उनको गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी ओर, पृथ्वी की ओर क्या करता है, खींचे रहता है। नेक्स्ट, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है, हाँ निरंतर गुरुत्वाकर्षण इसका चिन्ह क्या होता है, तो इसका चिन्ह होता है आपका जी, किसे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल किस पर निर्भर करता है, बताइए मूल किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले जो त्वरण है इसका मूल किस पर निर्भर करता है, तो बता दें आपको हम, ये आपका जो निर्भर करता है जो नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, देखिए कौन वस्तु कितना वजन है कितना भारी है उस हिसाब से उस पर आकर्षण लगता है, क्या कितना वजन है कितना भारी है उस हिसाब से उस पर आकर्षण लगता है, तो सिंपल सी बात है नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन है 32, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आ चुका है क्वेश्चन, किस में आ चुका है? आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आ भी चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण उदाहरण नहीं है? बताइएगा कौन सा जो है गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, देखो पहला तो सही है, ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकता है, भाई गुरुत्वाकर्षण के कारण ही तो अलग नहीं हो पाते। ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, भाई ब्लैक होल के घूर्णन में ये सहायक है नहीं है, ये तो हम बता देते। तारों को आपस में जोड़े रखता है, तो बिल्कुल सही है, सी नंबर। डी है चांद को उसकी कक्षा में स्थित है, तो ये भी सही है, लेकिन आपका बी नंबर गलत है कि यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, तो सही सहायक नहीं है, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के तहत गुरुत्वाकर्षण और गति से रिलेटेड क्वेश्चन है जो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुरुत्व बल किनके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित है? हाँ गुरुत्व बल, चलिए बताइए। तो देखिए गुरुत्व बल जो होता है ना भाई, अभी बता चुके गुरुत्व बल जो होता है, दो द्रव्यमान गुरुत्व बल के लिए क्या होना चाहिए? गुरुत्व बल के लिए दो द्रव्यमानों के बीच ये आकर्षण का काम करता है, कौन? गुरुत्वाकर्षण। दो बल के लिए क्या दोस्तों? दो वस्तुओं के बीच जो है उनके द्रव्यमानों के बीच, क्या उनके द्रव्यमानों के बीच जो आकर्षण का काम करता है उसको बोलते हैं गुरुत्व बल। नेक्स्ट, वह बिंदु, क्या वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? हाँ संपूर्ण भार कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? चलिए बताइए, तो उसको बोलते हैं, हाँ जिस पर संपूर्ण भार कार्य करता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं आपका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर उसका भार, देखिए भार कैसे निकालते हैं? भार निकालने का सूत्र हम बता रहे हैं, भार बराबर होता है एम जी, क्या होता है एम जी, और जी का मान है 9.8, जी का मान कितना 9.8, एम जी में रख दो, एम का मान है 10 किलोग्राम और जी का मान 9.8, तो कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। क्या हो जाएगा? हाँ इसका मान क्या जाएगा 98 न्यूटन। एक वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका जो भार है, भार हो जाएगा उसका 98 न्यूटन, कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब ये बताना है कि कौन सा जो कथन है आपका ये असत्य है, ये आपको बताना है। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, हाँ ये तो क्या है दोस्तों, ये सही है। जी का मान से कि बी नंबर में, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्या गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जी का मान, तो ये नहीं। देखिए जी का मान ना गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि जी का मान जो होता है ना वो स्थिर रहता है, क्या वो स्थिर है, तो जी ये तो गलत है बी नंबर, तो ये तो पूछा क्या गलत है, बी गलत है। देखिए जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, बाकी चीज़ सब सही है। नेक्स्ट देखिएगा, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात जी की इकाई क्या होगा? हाँ जी की इकाई क्या होगा? देखो जी जो स्मॉल जी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण की इकाई क्या होता है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो जो त्वरण की इकाई है वही जी की इकाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सी नंबर हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार, देखिए वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या हो जाएगा? तो एक चीज़ हम बता रहे हैं, चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 गुना, क्या होता है? पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, कहाँ पर? चंद्रमा पर भार। तो देखिएगा अगर पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? 60 × 1/6, 6 से काटेंगे 10, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार जिस वस्तु का पृथ्वी पर 60 न्यूटन है वहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। क्या हो जाएगा वहाँ पर भार? तो वहाँ पर जो आपका भार होने वाला 10 न्यूटन होने वाला है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है ये बताना है। बताइए कौन सी जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण या हाइड्रोलिसिस?
हाँ, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? चलिए बताइए, अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण और हाइड्रोलिसिस। बताइए क्या इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है ना, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री को कैसा वजन महसूस होता है? देखिए, अंतरिक्ष यान के अंदर अगर बैठे हो ना, तो आपको जो क्या होगा दोस्तों, आपको एक भी भार का अनुभव नहीं होगा। किसमें? अंतरिक्ष यान में, क्योंकि वहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो है वहाँ पर जीरो है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर जीरो है। तो अंतरिक्ष यान के अंदर आपका जो भार है वो आपको शून्य महसूस होगा। क्या होगा? आपको शून्य महसूस होगा। क्या महसूस होगा? शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताना है सभी को। तो बोला ये है, यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान उनके बीच की दूरी क्रम से एम एम और आर है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमा के लिए किया गया कार्य। अब समझिएगा, जब हम किसी भी कोई भी हम जब वृत्ताकार में घूमते हैं, तो ये वृत्ताकार में घूमते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से पूरा घूम के फिर से यहाँ गए, वृत्ताकार में घूम रहे यहाँ। जब हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहीं पर आ गए, तो विस्थापन जीरो होगा। जब विस्थापन जीरो हो जाता है तो कार्य भी जीरो हो जाता है। इसलिए किया गया जो कार्य है दोस्तों आपका जीरो हो जाएगा। अगर विस्थापन जीरो तो कार्य जीरो, क्योंकि सूत्र क्या है याद रखिएगा, W बराबर होता है FD। अगर F जीरो है तो W जीरो, अगर D जीरो तो W जीरो। तो यहाँ पर विस्थापन, जब वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हैं तो विस्थापन जीरो हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार, केंद्र की बात कर रहा है। देखिए केंद्र की अगर बात करें ना, तो पृथ्वी के केंद्र पर कोई भी पिंड हो, उन सब का भार जीरो हो जाता है। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जो है कोई भी वस्तु हो, कोई भी कितना वजनदार हो, उन सब का भार जीरो हो जाता है। कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। पृथ्वी की सतह पर क्या है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण, त्वरण क्या हो जाएगा आपको बताना है। चलिए बताइएगा, तो हम बता भी चुके हैं कई बार, 9.8 याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सतह, हाँ पृथ्वी की सतह पर पूछ रहा है, 33 नंबर बताइएगा। तो क्या है? बता चुके हैं 9.8 या 9.8 बी में भी है, और डी में किसको लगाएं? तो यूनिट क्या होता है? 9.8 वर्ग मीटर सेकेंड है। 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। क्या? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। जो इकाई है, इकाई को याद रखिएगा, ये इसका इकाई होता है, कभी भूलना नहीं चाहिए। इकाई इकाई होता है। देखो 9.8 दो जगह है, अब जब यूनिट पता रहेगा तब तो आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट अगला 44 नंबर, चंद्रमा की सतह से ले गए, हाँ चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? हम कोई जो चट्टान है अगर चंद्रमा से लाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है? चलिए बताइए, जो एक चीज़ और बता देते हैं, इसका भार बदलेगा। और द्रव्यमान, कोई भी वस्तु है कहीं पर भी ले जाओ, उसके द्रव्यमान में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। क्या? कोई भी वस्तु है कहीं पर ले जाओ, उसके द्रव्यमान में कोई भी चेंजिंग नहीं होता, उसका भार बदलता है। क्या होता है? उसका भार जो है ना वो बदलते रहता है। तो यार यहाँ पर क्या हो जाएगा? भार में परिवर्तन होगा। ए नंबर क्या होगा? भार में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ पर? बताइएगा, सर्वाधिक भार, किसी वस्तु का जो सर्वाधिक भार है वो कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। चलिए बता दीजिए, सर्वाधिक भार है किसी वस्तु का, तो पहले बता चुके हैं हम, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का जो भार है कहाँ पर सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। और सतह पर क्या होता है? सतह पर सबसे कम होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर तो जीरो हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है किसके कारण होती है? पृथ्वी के जो चारों ओर है चंद्रमा की जो गति है किसके कारण होती है? बताइएगा,
तो ये होती है आपकी गुरुत्व, हाँ किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण। जितने भी साथी ए नंबर कर रहे हैं आंसर सभी का सही है, ए नंबर बिल्कुल सही है। तो जितने भी लोग कर रहे हैं ए नंबर सभी का सही है। पृथ्वी के चारों चंद्रमा की जो गति है ना वो गुरुत्व बल के कारण होती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का जो पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान, तो हम पहले भी बता चुके हैं द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। क्या, जो द्रव्यमान है कभी भी चेंज नहीं होता। चंद्रमा पर ले जाओ, बुध, शुक्र कहीं ले जाओ, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। पृथ्वी पर द्रव्यमान अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 60 kg ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है कभी भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार, ध्रुवों पर बता चुके हैं, ध्रुवों पर जो होता है पिंड का भार क्या होता है, अधिक होता है। कोई भी वस्तु है उसका भार अधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर पिंड का जो भार है भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होता है। अगर भूमध्य रेखा पर भार 60 है तो स्वाभाविक सी है अगर ध्रुवों पर ले जाओगे तो भार ज़्यादा हो जाएगा। तो याद रखना है भूमध्य रेखा पर भार कम होता है, ध्रुवों पर भार ज़्यादा होता है। भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर बढ़ते जाओगे तो भार बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का कितना गुना होता है, 1/5, तो 1/6। हम बता चुके हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है चंद्रमा पर उसका जो भार होता है, पृथ्वी के चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6, सिंपल सी बात है। तो इसका नंबर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, अभी बताए हैं, क्या पृथ्वी के केंद्र पर, देखिए ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है भार, भूमध्य रेखा पर कम होता है, लेकिन केंद्र पर जाओगे ना पृथ्वी की तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्र पर जब जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा केंद्र पर, तो केंद्र पर आपका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आप देखिएगा, आप समझिएगा। देखिए भार F बराबर क्या होता है, mg। देखिए भार वजन दिया है आपको 200 न्यूटन दिया है, m का मान द्रव्यमान ज्ञात करना m। देखिए g का मान कितना मान लेते हैं, g का मान दिया 10 मान लिए, 10 से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। m का मान कितना आ जाएगा, 20, और m को किससे मापते हैं, किलोग्राम में, तो कितना आ जाएगा 20 किलोग्राम। कितना आ जाएगा दोस्तों द्रव्यमान, द्रव्यमान आ जाएगा 20 kg। ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर 20 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार क्या हो जाएगा, बताइए। एक वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर है 6000 न्यूटन, तो चांद की सतह पर उसका भार क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1000 न्यूटन, क्या हो जाएगा, 1000 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हम बताएं चंद्रमा पर जो अपन भार निकालते हैं पृथ्वी के भार का 1/6। अब देखिए पृथ्वी पर कितना है 6000, तो 1/6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का जो भार है 20 kg है तो पृथ्वी में उस वस्तु का जो भार है क्या हो जाएगा, बताइएगा। किसी वस्तु का भार 20 kg पृथ्वी में, हाँ आप देखिए जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिया है भार 20 kg, तो भार नहीं दिया यहाँ, ये द्रव्यमान है। देखो लिखा भार है लेकिन है द्रव्यमान, क्योंकि kg लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या है द्रव्यमान है। तो कैसे निकालते हैं भार, भार निकालते हैं mg, m का मान दिया 20 और g का मान 9.8, तो कितना हो जाएगा 196 न्यूटन, कितना हो जाएगा 196 न्यूटन हो जाएगा, बी नंबर क्या होगा राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका पृथ्वी पर जो भार है 196 न्यूटन है, द्रव्यमान पूछा है। देखिए 196 दे दिया ना आपको, आपको भार दे दिया 196 बराबर mg का मान 196 दिया है। अब देखिए g का मान बताया है, mg का मान 9.8, तो भाग कर दोगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 20 kg, क्या आ जाएगा 20 kg।
एम एम मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को सदैव केजी में दर्शाते हैं, तो 20 केजी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। किसके अनुसार जी का मान घटता है बताइएगा, किसके, हाँ किसके अनुसार जो जी का मान घटता है बताइए, जी का मान घटता है ऊंचाई, आप जितना ऊंचाई में जाते जाओगे जी का मान घटते जाएगा, कहाँ पर ऊंचाई में जाओगे तो आपका जी का मान क्या होगा घटते जाएगा, एक स्थान में जी का मान जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जी का मान चार बताना है क्या हो जाएगा, जी का मान राइट क्या हो जाएगा, देखिएगा जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, बिल्कुल सही है, आप पृथ्वी के केंद्र की ओर जाओगे तो जी का मान घटते घटते केंद्र पर पहुंच गए, अगर आप केंद्र पर पहुंच गए तो जी का मान जीरो हो जाता है, तो पहला तो सही है। विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम, नहीं गलत है भाई, विषुवत रेखा पर कम होता है ध्रुवों पर अधिक होता है, ये गलत लिख दिया, नियत रहता है तो गलत है, कभी नियत नहीं रहता, अब ऊपर जाओगे तो घटेगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, गलत, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे तो घटेगा, केवल पहला सही है, क्या है पहला नंबर सही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 58, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, अगर मुक्त रूप से अगर गिर रहा है, मुक्त रूप से क्या है, मुक्त रूप से गिर रहा है तो किस स्थिति में होता है ये आपको बताना है, चलिए बताइए, भारहीनता, आराम में, गतिक में, कृतकार्य में, बताइए आंसर। चलिए बताइएगा आंसर, तो ये होता है ना भारहीनता में, किस कंडीशन में होता है, भारहीनता के कंडीशन में होता है। नेक्स्ट जी का मान किसके साथ बढ़ता है, देखिए जी का मान बढ़े, देखिए जी का मान घटता किस में है, ऊंचाई में वृद्धि करोगे जी का मान घटेगा, लेकिन बढ़ता है ऊंचाई में कमी करोगे तो जो जी का मान है क्या होगा वो है आपका बढ़ते जैसे 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 आप पृथ्वी की सतह पर आते जाओ, जितना ऊंचाई कम रहेगा पृथ्वी से जी का मान उतना ही ज़्यादा रहेगा, तो ऊंचाई में अगर कमी करोगे तो जी का मान बढ़ेगा, ऊंचाई में वृद्धि करोगे जी का मान घटेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 60 नंबर, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाते हैं, क्या कहते हैं, हम विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो उसका भार क्या हो जाएगा, आप समझिए, देखो विषुवत रेखा में जी का मान तो कम होता है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं जी का मान बढ़ते जाता है, जब ध्रुव पर पहुंचते हैं, कहां पर, जब ध्रुव पर पहुंचते हैं तो जी का मान सर्वाधिक हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाता है, क्या होता है दोस्तों, बढ़ते जाता है, सी नंबर क्या राइट आंसर होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है बताइएगा, किसी पिंड का जो भार है न्यूनतम कहां पर होता है, भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधियों पर, उपोष्ण पर, ध्रुवों पर, किसी पिंड का भार, हाँ न्यूनतम तो बता चुके हैं, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तो भूमध्य रेखा पर आपका भार क्या होता है, न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा पर भार न्यूनतम, ध्रुवों पर जाओगे तो ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर भार अधिकतम होता है, पृथ्वी केंद्र पर क्या होता है, जीरो है, अब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की जाओगे तो जी का मान बढ़ते जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार, तो भार कैसे निकालते हैं, हम बता चुके हैं कई बार, भार बराबर होता है mg, m का मान दिया है 10, अपन क्या मानते हैं, जी का मान 9.8 याद रहना चाहिए, कितना आ जाएगा 98 न्यूटन, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो उसका जो भार है वो 98 न्यूटन हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी 80 मीटर से, हाँ और जी का मान है 10 मीटर, चौथे सेकंड में की गई, हाँ चौथे सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है, चलिए बताइएगा चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 64 का राइट आंसर बताइए, 35 मीटर, हाँ क्या हो जाएगा 35 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
चलिए इसको करके बताइए। एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकेंड में भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी हो जाएगी? कितने में गिर रहा है? 0.8 सेकेंड में गिर रहा है, तो जब भूमि से टकराएगा तो इसका क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए राइट आंसर बताइए। 8 सेकेंड होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? 8 सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड में ये क्या है पृथ्वी पर पहुँचेगा, इसकी इतनी स्पीड आएगी। नेक्स्ट देखिएगा, एक गेंद को 20 मीटर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकेंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा? जी का मान 10 दिया गया है, क्या है जी का मान? हाँ जी का मान 10 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा विस्थापन? चलिए बताइए, 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15। हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के जो स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो अपन आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि ये क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं, कई बार आ चुके हैं। देखिए तो अपन स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पेन और पेपर निकाल के बैठिएगा, क्वेश्चन आपको दिखे क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद आंसर आप लिखिएगा, फिर लास्ट में आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, जो पादप होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। हाँ, पादप में सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो पादप की अगर बात किया जाए, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कार्बन। क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है पादपों में, कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कार्बन। चलिए, और कार्बन आया तो हम बता दें आपको दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछेगा तो क्या बताना है। देखिए अभी कभी साइंस में पूछता है कार्बन का परमाणु क्रमांक, तो कार्बन लिखे परमाणु क्रमांक होता है 6 है, परमाणु द्रव्यमान होता है 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 और नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इस प्रकार से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, ये बताना है। मानव शरीर का जो मुख्य हिस्सा होता है, मुख्य भाग, वो किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा, वसा, प्रोटीन और पानी। तो किससे मिलकर बना होता है ये बताना है आपको, क्या बताना है, किससे मिलकर बना होता है? चलिए बताइए, किससे मिलकर बना होता है ये आपको बताना है। तो किससे मिलकर बना होता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन से मिलकर, कि वसा से मिलकर, कि पानी से, कि प्लाज्मा से। तो जो मुख्य हिस्सा पानी से मिलकर बना होता है, किससे? पानी। इसलिए बोलते हैं 70% शरीर में क्या है, 70% शरीर में क्या है? पानी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व तो नहीं है? देखिए माइक्रो पोषक तत्व तो क्या नहीं है? देखिए शरीर में ना जो विटामिन होता है वो आपको क्या चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और वो मिलता है किस में? सब्जियों में मिलता है। किसे मिलता है वो? सब्जियों में मिलता है। तो विटामिन ये माइक्रो पोषक तत्व तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डीएनए का क्या है, डीएनए एक का खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, हाँ कौन है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है? तो वो आपका है दोस्तों डीएनए का भाग है वो, तो वह जीन है। कौन है? जीन। देखिए गुणसूत्र की इकाई बोलते हैं जीन को, क्या बोलते हैं? गुणसूत्र की इकाई बोलते हैं जीन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला, अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है? डीएनए का अर्थ आपको बताना है। चलिए जितने भी साथी हैं सभी लोग आंसर बताएंगे, डीएनए का अर्थ क्या है? तो डीएनए का जो अर्थ है आपका क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है क्या डीएनए का अर्थ? क्या है डीएनए का अर्थ? क्या है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड? ये किसका है दोस्तों? डीएनए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ क्वेश्चन है, बालों का रंग किसके कारण होता है? चलिए बताइएगा, बालों का क्या दोस्तों? हाँ बालों का रंग किसके कारण होता है? तो बालों का रंग होता है मेलानिन के कारण। किस कारण होता है?
मेलानिन के कारण होता है बालों का रंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को आंसर बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन का आंसर, चलिए बता दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है, क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है। तो बता दें आपको हम, क्षार इवेंट से जो निर्माण होता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, mRNA किसका निर्माण होता है, mRNA का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक निम्न का निर्माण करता है, बताइएगा किसका निर्माण करता है प्रजनन के दौरान जो है। देखिए प्रजनन के दौरान क्या होता है आपका हम बता दें, DNA कॉपी करता है, क्या करता है DNA कॉपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, ये आपको बताना है, क्या बताना आपको, आपको बताना कि कौन सा जो कथन है ये आपका गलत है। चलिए पहले ABC तीनों को पढ़ लीजिए और बताइए कि ABC और फिर इसके बाद डी दिखाया जाएगा ऑप्शन, पहले तीनों पढ़ लीजिए। हाँ चलिए इसमें बताइए क्या गलत है आपका, देखिए ए और बी सही है, हाँ तीन ऑप्शन ही हैं, देखिए डी यहाँ पर गलत है, तो यही तो पूछा तो यही तो सही हो जाएगा भाई, पूछा क्या गलत है तो सी गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, बताइए एंजाइम जो है मूलतः क्या होते हैं, ये आपको बताना है, बताइए एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम मूलतः होते हैं आपके क्या होते हैं दोस्तों, एंजाइम, तो एंजाइम आपके होते हैं दोस्तों, हाँ क्या है मूल एंजाइम, तो चलिए तो देखिए एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन है। एंजाइम किससे मिलकर बना है, तो आप बता सकते हो कि यार एंजाइम जो है ना प्रोटीन से मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है, एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनता है, और प्रोटीन का काम क्या है, शरीर की संरचना बनाता है, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, DNA अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा DNA अनुक्रम किसमें, DNA अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है, तो कहते हैं एनोटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं एनोटेशन कहते हैं, DNA अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं एनोटेशन, क्या बोलते हैं एनोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहा जाता है, क्या प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहते हैं आपको बताना है, तो चलिए बताइएगा क्या कहते हैं दोस्तों इसको, तो इसको कहा जाता है आपका जीन, क्या कहते हैं जीन कहते हैं, DNA की इकाई है जीन, क्या है ये जीन इकाई है। चलिए देखिए, निम्न DNA का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो जानकारी कौन प्रदान करता है दोस्तों इसमें से, तो जानकारी जो प्रदान करता है आपका वंश, RNA का पूर्ण रूप क्या है, चलिए बताइए पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म RNA का, किसका RNA का फुल फॉर्म बताना है, तो RNA का फुल फॉर्म होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, रिबो लिखा है तो यहाँ पास राइबो ऐसे लिखना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA का फुल फॉर्म, किसका RNA का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, बताइएगा हाँ मानव शरीर में किसमें, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो मानव में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6-8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8, अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो बताना है 16, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20, नाइट्रोजन का है 7, कार्बन का है 6, सभी का याद रहना चाहिए। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
ठीक है, अगला प्रश्न। प्रोटीन निम्न का एक अभिन्न अंग है, जो प्रोटीन है किसका अभिन्न अंग है ये आपको बताना है। तो प्रोटीन जो है एंटीबॉडी का अंग है, कोशिका झिल्ली का भी अंग है, एंजाइम का भी अंग है, इनमें से सभी राइट होगा। क्या राइट होगा? सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, बताइएगा कौन सा जो है दूध का, किसका दोस्तों, दूध का प्रोटीन है कौन सा? तो यहाँ पर जो है केसीन जो है दूध का प्रोटीन है। क्या है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में प्रोटीन, हाँ, केसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना क्या कि दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, बताइए। हाँ, यौन प्रजनन में, किसमें? यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान, चलिए बताइए। माता पिता का योगदान होता है यौन प्रजनन, बताइएगा। तो इसमें होता क्या है बता देते हैं हम। अपने जीन्स का आधा हिस्सा बच्चों में जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बच्चों में जाता है। नेक्स्ट, एक सामान्य मानव शरीर जो है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो भाई क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, या कि बोल सकते हो 23 जोड़ा। क्या? अगर जोड़े में बोलोगे तो 23 जोड़ा, जोड़े में क्या जाएगा? 23 जोड़ा। और वैसे बोलोगे टोटल, तो टोटल आ जाएगा आपका 46। क्या आएगा टोटल? टोटल आ जाएगा आपका 46। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र किससे संबंधित है? क्वेश्चन है जो गुणसूत्र किससे संबंधित है। देखिए गुणसूत्र से होता क्या, हम बता दे रहे हैं, अनुवांशिक लक्षणों की संरचना होती है। इसमें क्या होती है? अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं ना, गुणसूत्र से क्या प्रदान होता है? अनुवांशिक। बच्चे में क्या आता है? अनुवांशिक लक्षण। तभी तो कहते हैं कि अपने पिता पर गया, कहें बोलते हैं ना गाँव में, अपने माता के जैसा स्वभाव है इसका, अपने पिताजी के स्वभाव है। कई बच्चे रहते हैं कि उनका स्वभाव जो रहता है पिताजी के जैसे, है ना, तो ये गुणसूत्र के कारण सब होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिन जुड़ते हैं? क्या होता है? हाँ, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिन जुड़ते हैं? देखिए, तो क्रोमैटिन जो जुड़ते हैं ना, उस गुणसूत्र का नाम है सेंट्रोमियर। क्या नाम है? सेंट्रोमियर नाम है। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यदि एक पौधे का समजीनी, क्या एक पौधे का समजीनी जीनोटाइप है, तो समलक्षित जो होता है फेनोटाइप क्या होता है? तो फेनोटाइप आपका होता है दोस्तों बौना और गोल। क्या होता है? बौना और गोल होगा, सी नंबर। नेक्स्ट, अगला देखिएगा। मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बताइए। मटर के पौधों में पाया जाने वाला जो गुण है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं दोस्तों आपका? हाँ, गोल फली। कौन सा? गोल फली ये नहीं है। क्या? ये नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। क्या दोस्तों? अनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुवांशिक सामग्री के जो वाहक हैं आपके जीन। कौन होते हैं? जीन होते हैं अनुवांशिक सामग्री के वाहक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना, क्या नए पौधों का उगना कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नए पौधों का उगना क्या कहलाता है ये आपको बताना है। चलिए बताइए, क्या कहलाता है नए पौधों का उगना? तो ये कहलाता है टिशू कल्चर। क्या कहलाता है आपका? टिशू कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? हाँ, नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का संयोजन, चलिए बताइएगा। तो ये होता है ना, हाँ चलिए पहले आंसर कर दीजिए फिर बता रहे हैं इसको हम। तो ये होता है ना, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? टोटल होते हैं 46, 44 प्लस
एक्स एक्स होता है क्या, 44 प्लस एक्स एक्स, ये बालिका में, और बालक में क्या होता है, बालक में होता है 44 प्लस एक्स वाई। हाँ तो ये बालिका में होगा 44 प्लस एक्स एक्स, और बालक में क्या होगा, बालक में 44 प्लस एक्स वाई होता है। अगला देखिएगा, देखिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। देखिए आरआरबी जेई में क्वेश्चन आया, किसमें आया दोस्तों, आरआरबी जेई में क्वेश्चन आ भी चुका है, बच्चे का, किसका, बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है बताइएगा। हाँ बच्चे का लिंग निर्धारण जो है किससे होता है, देखिए बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है बता दें आपको हम, गुणसूत्र से होता है, किससे होता है, गुणसूत्र से होता है बच्चे का लिंग निर्धारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए इसको रहन दीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं, क्या अनुवांशिक लक्षणों के जो जीन समूह हैं, तो जीन समूह को क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं, फीनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, प्रबल जीन कहते हैं, क्या कहते हैं बताना है आपको। हाँ बताइए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीनोटाइप, क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन में निम्न के शामिल होते बताइए, तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है बता दे रहे हैं हम, तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं, विपरीत लिंग तब ना लैंगिक जन होता है, देखो लड़का लड़के में शादी नहीं हो सकता, लड़की लड़की में शादी नहीं होता, इसीलिए ना विपरीत लिंग होना चाहिए, तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, विपरीत लिंगों के दो जनक होते हैं, कितने जनक होते हैं, दो जनक होते हैं, सी नंबर राइट आंसर होगा, क्या होगा, सी नंबर इसका राइट होगा भाई, विपरीत लिंग होगा तब ना बच्चा पैदा होगा। जिस देखिएगा बालिका में क्या पाया जाता है, 44 गुणसूत्र प्लस प्लस एक्स एक्स, और बालक में क्या पाया जाता है, बालक में 44 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई, ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादा युग्मक में क्या है, एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं बताइएगा। हाँ एक मादा युग्मक जो क्या होता है, एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम होते हैं मादा में, देखिए मादा हो चाहे नर हो टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46, कितने होते हैं, तो टोटल क्रोमोसोम होते हैं आपके 46, अगर जोड़ा में पूछता तो 23 जोड़े, अगर जोड़ा में पूछता क्या बताते, तो जोड़े में 23 जोड़ा, तो टोटल कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं, हाँ मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं, चलिए बताइए, तो मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं दोस्तों, हाँ एक एक्स गुणसूत्र होता है, क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइए, पुरुष शुक्राणु क्या, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए पुरुष शुक्राणु में जो गुणसूत्रों की संख्या आपका कितना होता है, चलिए बताइए। तो ये होता है 46, अगर टोटल पूछेगा 46, अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23, तो कितना होता है टोटल, टोटल होता है 46, कितने होते हैं 46 होते हैं टोटल। नेक्स्ट, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको बताना है, तो अभी जोड़ा पूछ दिया तो 23 जोड़े गुणसूत्र क्या पाए जाते हैं दोस्तों, मानव शरीर की जो कोशिका हैं उसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र, कितने जोड़े, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से करते रहिए आंसर, ध्यान से आंसर करते रहना आप सभी को, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है बताइएगा, किस प्रकार का जो पुनर्जनन है क्या है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता जो है, हाँ अधिक विविधता ला सकता है, तो लैंगिक जनक, कौन सा लैंगिक, क्या लैंगिक जो जनन होता है ये अधिक
विविधता लाता है सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है? बताइए पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण जो है कौन है? तो इसमें कौन सा लक्षण दिखाई देता है दोस्तों? प्रबलता दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? प्रबलता दिखाई देता है। नेक्स्ट, निम्न ने वंशानुग्रत के नियमों को प्रतिपादित किया था? किसने किया था? वंशानुक्रम के नियम जो हैं किसने प्रतिपादित किया था? तो ये बताया था ये नियम ग्रेगर मेंडल साहब ने बताया था। किसने? वंशानुक्रम का जो नियम बताया था ग्रेगर मेंडल ने। इसलिए ग्रेगर मेंडल क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी के जनक किसको बोलते हैं? ग्रेगर मेंडल। क्या दोस्तों? अनुवांशिकी के जनक बोलते हैं ग्रेगर मेंडल साहब को बोलते हैं अनुवांशिकी के जनक। नेक्स्ट अगला देखिएगा, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, मनुष्य जाति के एक पुरुष को जो है क्या, एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो जो एक्स क्रोमोसोम है आपको हम बता दें ये कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो चलिए, तो ये प्राप्त होता है माता से। कहाँ से प्राप्त होता है? माता से प्राप्त होता है। क्योंकि होता क्या है, जो माता पिता होते हैं माता में जो पाया जाता है, देखिए 44 जोड़ा तो सब में सेम होता है, फिर माता में क्या होता है 44 जोड़ा प्लस एक्स एक्स, और पिता में क्या होता है 44 जोड़ा प्लस एक्स वाई। अब लड़का बनने के लिए क्या होगा? लड़का बनने के लिए माता का एक्स और पिता का वाई, ये लड़का बन गया। और लड़की बनने के लिए क्या है? माता का एक्स और पिता का एक्स। देखिए माता में तो एक्स एक्स ही है, तो माता से तो एक्स ही मिलेगा। तो पूछा है जो मनुष्य जाति होता है एक पुरुष को, क्या पुरुष को जो एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है? तो माता से मिलता है एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रजातियों में निम्न जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? क्या होगा? प्रजातिकरण, परागण, परिवर्तन या निषेचन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आपका परिवर्तन। क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? बताइएगा कौन सा जो है अनुवांशिक विकार है ये आपको बताना है। तो देखिए थैलेसीमिया, क्या जो आपका थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया जो है क्या है? अनुवांशिक विकार है। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिक विकार कौन है? थैलेसीमिया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निम्न से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा? हाँ, बच्चों का लिंग जो है किससे प्राप्त होने वाले गुणसूत्र से निर्धारित होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, पिता। किससे? पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए माता में अगर बात करें तो माता में 44 तो सेम रहता है प्लस एक्स वाई, एक्स एक्स, माता में 44 रहता है प्लस एक्स एक्स, और पिता में 44 प्लस एक्स वाई। तो माता से तो एक्स ही मिलेगा। अब निर्धारित कौन करेगा? गुणसूत्र का निर्धारण कौन करता है? तो गुणसूत्र का जो निर्धारण करता है आपका वो कौन करता है? पिता के द्वारा होता है। किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? जो नर युग्मक होता है किस गुणसूत्र का वाहक है? बताइए तो किस गुणसूत्र का वाहक है? या तो यक्स या तो वाई। क्योंकि जो नर होता है, नर में क्या पाया जाता है? 44 ऑटोसोम और 2 एलोसोम, 44 प्लस एक्स वाई होता है। तो नर की बात करें तो नर में क्या होगा? एक्स और वाई। क्या होगा नर में? एक्स और वाई पाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, जीन उत्परिवर्तन क्या है? जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, सही आंसर बताना, क्या बताना है? राइट आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीन उत्परिवर्तन, एकदम राइट आंसर बताइए, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है ये आपको बताना है। चलिए तो बता दें आपको,
ये होता है आपके नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। किसके कारण? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। डाई हाइब्रिड जो संकर होता है क्रॉस में विपर्यासी लक्षण की निम्न जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत करता है, कितने प्रकार से वर्गीकृत करता है? तो ये अपन करते हैं ना, दो प्रकार से वर्गीकृत। कितने? दो प्रकार। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया है। जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए मोस्ट क्वेश्चन जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न उत्परिवर्तन जो म्यूटेशन है अनुवांशिक नहीं होता, कौन सा जो होता है जो अनुवांशिक नहीं होता है बताइएगा। हाँ, कौन सा उत्परिवर्तन जो है ये आपका अनुवांशिक नहीं होता? देखिए दैहिक जो होता है ये अनुवांशिक नहीं होता। क्या? दैहिक उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्वान होंगे? मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या 46 है और मनुष्यों की दैहिक कोशिका में कितने गुणसूत्र विद्वान होंगे ये बताना है आपको। तो दैहिक कोशिका में जो गुणसूत्र विद्वान होंगे आपके, बता दें हम, 46 ही होंगे। कितने होंगे? 46 होंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो सिंपल, हाँ, कितने गुणसूत्र मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं चलिए बताइए। हाँ, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं ये आपको बताना है। तो कितना हो जाता है दोस्तों? 23 जोड़ा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है, क्या वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि वह है निम्न है, तो क्या है वह? तो वह जो है ना प्रबल है। क्या है? प्रबल है। तो F1 पीढ़ी में क्या रहता है? प्रबल रहता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, आरआरबी ग्रुप डी का। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या है? मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब, क्या होता है बताइए? मेंडल के नियम कब लागू होते हैं ये आपको बताना है। क्या बताना दोस्तों? मेंडल के जो नियम हैं कब लागू होते हैं ये आपको बताना है। चलिए बताइए, आपको बताना है कि मेंडल के जो नियम हैं कब लागू होते हैं, चलिए बताइएगा। हाँ, मेंडल के नियम कब लागू होते हैं ये आपको बताना है। तो कब लागू होते हैं मेंडल के नियम? ये लागू होते हैं माता पिता शुद्ध प्रजनन है। क्या? जब माता पिता जो है शुद्ध प्रजनन में ये लागू होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया, क्या प्राप्त किए? तो उन्होंने प्राप्त किया स्वपरागण। इससे क्या प्राप्त हुआ उनको? स्वपरागण की घटना प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रजनन जो है अधिक विविधता ला सकता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो बताइएगा किस प्रकार का जो प्रजनन होता है अधिक विविधता लाता है? तो जो क्या दोस्तों? हाँ, इसको हम पहले बता चुके हैं, बताइए, लैंगिक प्रजनन। कौन सा दोस्तों? जो लैंगिक प्रजनन होता है, कौन सा प्रजनन होता है? जो होता है लैंगिक प्रजनन। जो लैंगिक प्रजनन होता है वो अधिक विविधता ला सकता है। क्या? अधिक विविधता ला सकता है लैंगिक प्रजनन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, बताइए कौन हैं जो अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं? बताइएगा अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन हैं? चलिए बताइएगा कौन है जो अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, बताइए। DNA है कि परागकण है कि बीजाणु है कि RNA है, बताइएगा अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? चलिए कर दीजिए इसका आंसर। तो DNA होता है। क्या होता है? DNA। DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक
हाँ बताइएगा क्या है डीएनए का फुल फॉर्म, बताइए। आरएनए का बताइए, डीएनए का, दोनों कमेंट में बताइए जल्दी से। हाँ सभी का सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की वंश अनुवांशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया सिद्धांत अनुवांशिकता का सिद्धांत, किसने दिया? ग्रेगर मेंडल साहब ने दिया है। किसने दिया है? ग्रेगर मेंडल साहब ने दिया अनुवांशिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिएगा अगला। एलील होते हैं, क्या होते हैं एलील? एलील क्या होते हैं? देखिए एलील है ना, इसको याद कर लीजिएगा। एलील जो होता है जीन का वैकल्पिक रूप है, क्या है? हाँ जीन का वैकल्पिक रूप होता है एलील। याद रखना है आपको कि जो एलील होता है, क्या एलील होता है? जीन का वैकल्पिक रूप है, क्या है? जीन का वैकल्पिक रूप है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था? अनुवांशिकता किसने बताया था? अनुवांशिकता के नियम, तो जो देखिए अनुवांशिकता के जो पिता हैं किसको बोलते हैं? ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं। अनुवांशिकता का जो सिद्धांत किसने दिया? तो ये जैसे ग्रेगर मेंडल ने, तो सीधे प्रश्न पूछा है अनुवांशिकता का नियम किसने दिया, तो ग्रेगर मेंडल को लगाना है। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 41 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ यूजीनिक्स, क्या होगा राइट आंसर? यूजीनिक्स। हाँ कई लोग का सही आंसर है डी नंबर। देखिए नेक्स्ट, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइए, बताइएगा। 23 जोड़ा, सिंपल है। नेक्स्ट, मटर के पौधों में निम्न करैक्टर रिसेसिव होते हैं, कौन से करैक्टर? तो करैक्टर कौन है? झुर्रीदार, कुछ पौधे क्या होते हैं झुर्रीदार होते हैं, कैसे होते हैं? झुर्रीदार बीज, ये क्या है? ये करैक्टर क्या है? रिसेसिव करैक्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, ध्यान से पढ़ना है फिर उसके बाद आंसर करना है, क्योंकि देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी ग्रुप बी में क्वेश्चन आ भी चुका है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधों में अप्रभावी होती है बताइए। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है मटर के एक पौधों में अप्रभावी होती है, तो ये होती है कौन सी? अप्रभावी है, तो कौन सी? झुर्रीदार बीज, अप्रभावी होती है, रिसेसिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्या है क्वेश्चन नंबर 45? इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? चलिए बताइएगा। हाँ इनमें से कौन सा जो है पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में जो पाया जाता है, इनमें से कौन पाया जाता है? वाई गुणसूत्र। देखिए 2x गुणसूत्र ना, XX। अब बता देते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए अगर बालिका होगा, माता जिसको हम बोलते हैं, बालिका माता, तो उसमें होगा 44 जो होगा वो ऑटोसोम होगा और एलोसोम होगा XX, मतलब 44 प्लस XX। और जो बालक होगा अर्थात जो पिता होगा, उसमें 44 प्लस XY क्या होता है? XY होता है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आता है कि माता से तो मिलेगा XX ही मिलेगा। अब लड़का होगा कि लड़की, इसके लिए निर्धारण कौन करता है? पिता के गुणसूत्र निर्धारित करेंगे। क्या होंगे? लड़का होगा कि लड़की, किसके गुणसूत्र निर्धारित करेंगे? पिता के गुणसूत्र, क्योंकि पिता में एक्स और वाई होता है। माता से हमको एक्स ही मिलेगा। अगर पिता से हमको एक्स मिल गया तो लड़की हो गया, ठीक। अब माता से एक्स मिलेगा, अगर पिता से वाई मिल गया तो लड़का हो गया। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ देगा कि एक लड़का जन्म हुआ है, क्या हुआ? लड़का का जन्म हुआ है, तो उस लड़के में जो वाई गुणसूत्र होता है वो कहाँ से मिला है? 23वें जोड़ा का जो वाई गुणसूत्र है, वाई है, कहाँ से मिला है? तो आपको बताना पिता से मिला है वो। इनमें अब क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो वाई गुणसूत्र किस पाया जाता है? पुरुषों में। नेक्स्ट देखिएगा,
क्वेश्चन नेक्स्ट है, वंशानुगत की इकाई, पहले भी बता चुके हैं, दो तीन प्रश्न में आ चुका है, तो वंशानुगत की इकाई जीन होती है। वंशानुगत जो जीन होता है ना, जब माता पिता का जो जीन होता है, तो दोस्तों जो माता पिता का जब जीन होता है बालक में जाता है तो क्या होता है, बालक में जो स्वभाव है, शारीरिक क्रियाएं, शरीर की जो संरचना है, और माता पिता के गुण उसमें मिलते हैं। तो वंशानुगत की इकाई क्या है, जीन है। और अनुवांशिकी के क्या, अनुवांशिकी के जनक पूछे तो ग्रेगर मंडल है। अनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया, ग्रेगर मंडल साहब ने दिया। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है, पुनर्जनन, चलिए बताइएगा, सभी लोग बताएंगे। देखिए पुनर्जनन का मतलब होता है छोटे छोटे क्या, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होना, पुनर्जनन। छोटे खंड से जीव क्या है, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना, क्या होता है, पूरे शरीर का निर्माण होना, इसको बोलते हैं क्या, पुनर्जनन। क्या बोलते हैं, पुनर्जनन। हेलो दोस्तों, साइंस स्पेशल में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं आज, वर्क से रिलेटेड, किससे, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले। चलिए तैयार हो जाइएगा, पेन और पेपर निकाल के आपको बैठना है, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपको आंसर करना है, फिर लास्ट में आपको चेक करना है, आपको लास्ट में चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। क्या करना है, चेक करना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। देखिए पहला, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, क्या होता है, किसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, तो जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, हाँ, जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती है उसको बोलते अदिश राशि। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है अदिश राशि है, संवेग, विस्थापन, कार्य और बल। देखिए जो कार्य होता है ना आपका, कार्य है, जो कार्य होता है ये आपका अदिश राशि है। क्या है कार्य, कार्य आपका अदिश राशि है। कौन सी राशि कार्य, तो कार्य आपकी अदिश राशि है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, बताइएगा, आपको बताना है, क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन जो है अधिक काम कर सकता है, चलिए बताइए। तो इनमें जो अधिक काम कर सकता है कौन, तो जो बंदूक, हाँ, चलती हुई बंदूक क्या होती है दोस्तों, जो चलती हुई बंदूक होती है ये अधिक काम कर सकता है। कौन करता है अधिक काम, तो जो चलती हुई बंदूक है ये अधिक काम कर सकता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला, कार्य में क्या होता है आपको बताना है, क्या बताना है आपको, आपको बताना कि कार्य में क्या होता है, चलिए बताइए। तो कार्य में क्या दोस्तों, दिशा नहीं होती केवल परिमाण होता है। कार्य में क्या होता है, तो कार्य में दिशा नहीं होती है केवल क्या होता है, केवल परिमाण होता है कार्य में। तो ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, क्या कर रहा दोस्तों, 20 न्यूटन का जो बल है, क्या है, 20 न्यूटन का जो बल है एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, और 20 जूल कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण। देखिए कैसे निकालते हैं, W बराबर होता है FD cos थीटा। अब W कितना है दोस्तों, तो 20 जूल है, तो 20 जूल बराबर F का मान दिया है 20 और D का मान दिया है 2 और cos थीटा, तो 20 से 20 कट गया, 2 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पास यहाँ लिख रहे हैं, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तो cos थीटा में, cos में 1/2 किसका मान होता है, तो cos में बता दें आपको हम, cos में जो 1/2 होता है 60 डिग्री में होता है, किस में होता है, 60 डिग्री में। तो ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है, क्या करता है, 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, सामान पर कितना कार्य किया गया, देखिए जी का मान है 10, कितना है जी का मान, जी का मान 10। तो कैसे निकालते हैं कितना कार्य करेगा, ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर कार्य माना जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, MgH, क्या है ये, स्थितिज ऊर्जा है, तो ये आ जाएगा 12 और जी का मान कितना है 10 है, अब हाइट कितना है दोस्तों 1.5, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 180 जूल, क्या आ जाएगा 180 जूल आ जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों,
आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 180 जूल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है तो किया गया कार्य इतना है, तो क्या निकालना है, बल निकालना है। तो देखिए होता क्या है, W बराबर है या फिर D है, तो W का मान कितना दिया है, तो W का मान दिया है आपका 20,000 जूल, और F का मान कितना दिया है, F का मान ज्ञात करना है, D का मान कितना दिया है, D का मान आपका 4,000 है, तो 4×5=20 आ जाएगा, कितना जाएगा 4×5=20, तो कितना जाएगा 5, ये हो जाएगा ए नंबर 5 न्यूटन, क्या हो जाएगा 5 न्यूटन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, क्या किया जाता है, हाँ एक केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किसके द्वारा, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, तो कि देखिए क्या जो कार हो जाएगा यहाँ पास MGH होता है, M का मान 1 है, G का मान 9.8 है और H का मान 10 है, कितना हो जाएगा 98 जूल, कितना हो जाएगा 98 जूल हो जाएगा आपका, ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों राइट आंसर ए नंबर, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर इसका, क्या होगा राइट आंसर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर किया गया काम कितना हो जाएगा, तो काम बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि कैसे गणना करते हैं, अब कोई चीज़ उठा रहे हो ना और उसमें कितना काम कर रहे हो, तो क्या लगाना है आपको MGH का फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, हाँ जैसे कोई चीज़ आप उठा रहे हो किया गया कार्य पूछ दे तो MGH लगाना है। देखिए M का मान द्रव्यमान आ गया 20, G का मान दिया 10 और हाइट दिया 2×4 कितना आ जाएगा 400 जूल, क्या हो जाएगा राइट आंसर 400 जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 400 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, देखिए किया गया कार्य अपन को ज्ञात करना है, ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 10 किया गया कार्य आप समझिएगा कितना चल रहा है, विस्थापन कितना है, देखिए डी बराबर कितना दिया है 1 दिया है, एफ बराबर कितना दिया है एन दिया है ना, तो कार्य तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ डी, एफ का मान कितना दिया 1 और डी का मान 1, तो 1×1 जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर 1 जूल। नेक्स्ट, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, देखिए उठाकर वो खड़ा है कहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 0, जब डी बराबर 0 हो जाएगा तो डब्ल्यू बराबर एफ डी, अब देखिए डी के जगह अगर 0 रखोगे ना तो W बराबर भी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो B में क्या हो जाएगा B का 0। नेक्स्ट, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद क्या हो रहा है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो जाए, अगर उसका विस्थापन अगर शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर उसका विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 120 न्यूटन भार के बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, देखिए MGH लगाना है, देखो MG का मान भार कितना है 120 न्यूटन, हाइट कितना है 2 है, कितना जाएगा 240, क्या जाएगा 240 जूल आएगा, क्या दोस्तों 240 जूल आ जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है बताइए, हाँ कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को, शक्ति, और शक्ति का मात्रक पूछेगा तो शक्ति का मात्रक बताना है आपको वाट, ऊर्जा किसका मात्रक कार्य का, बल का मात्रक पूछेगा तो आपको बताना है न्यूटन,
और दाब का मास, दाब का मात्रक जो होता है इकाई पास्कल। नेक्स्ट, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, कार्य का मान अगर धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी, वृद्धि होगी। ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, उसकी ऊर्जा, उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब, बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो कब धनात्मक होगा, विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो। विस्थापन, देखिए बल द्वारा जो किया गया कार्य है ना वो धनात्मक कब होगा, जब जो विस्थापन है, क्या दोस्तों, विस्थापन जो है बल की दिशा में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विस्थापन अगर बल की दिशा में है तो किया गया कार्य जो है धनात्मक होगा। नेक्स्ट अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है, क्या निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है, बताइए। तो ये आपका दोस्तों पिंक, समतल सड़क पर अपने, क्या है दोस्तों, जो पिंकी है समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, जब चल रही है तो किया गया कार्य माना जाएगा, अगर मतलब उठा के रखे रहती तो कार्य जीरो होता, लेकिन चल रही है तो कार्य माना जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, बी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने बल के बीच का कोण क्या हो जाएगा, बताइए। कार्य शून्य होने की स्थिति में, किसमें, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए होमवर्क, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बीच का कोण, देखिए सूत्र क्या होता है, W बराबर होता है FD cos थीटा। तो भाई cos थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो सब जीरो हो जाएंगे, तो cos में जीरो कहाँ पर होता है, तो cos में जीरो होता है थीटा बराबर अगर 90 हो, क्या हो, अगर थीटा बराबर 90 है तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा थीटा का मान, थीटा का मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्या होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 50 न्यूटन का भार उठाता है, कितना, 100 मीटर की दूरी तक 50 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो कैसे ज्ञात करना, देखिए mg फार्मूला लगाना है, mg मतलब होता है भार, कितना दिया है 500 न्यूटन, तो 500 कर दिए, कितना दूरी तक चल रहा है 100 मीटर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका 5 के बाद कितना आ जाएगा 4 शून्य, ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा, ये क्या दोस्तों, जूल में आ जाएगा ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, बताइएगा, हाँ कौन से मामले में जो है माना जाता है कि कोई कार्य नहीं हुआ, कौन से मामले में, किस मामले में ये माना जाता है कि कोई भी कार्य नहीं हुआ, देखिएगा, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, देखो पानी निकालता है फिर जाता है, तो जो क्रिया बार बार होती है ना उसमें डी बराबर होता है जीरो होता है, तो जब डी बराबर जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू बराबर होता है FD, तो डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा, क्या होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्जा क्या होता है कार, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है, कार करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, वेग, बल या गति, बताइएगा कार करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो कार करने की क्षमता को बोलते हैं दोस्तों ऊर्जा, क्या बोलते हैं, कार करने की क्षमता को बोलते हैं दोस्तों ऊर्जा बोलते हैं, ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना हो जाएगा, तो यही चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं, क्या बता चुके पहले, ध्यान समझिएगा कि W बराबर जो होता है, क्या होता है W बराबर, तो W बराबर आपका होता है FD cos थीटा। अब cos का मान जीरो कहाँ पर होता है, तो cos का जो मान जीरो होता है 90 डिग्री पर, तो जब cos जीरो हो जाएगा तो W जीरो हो जाएगा, तो बताइए बीच का कोण क्या होना चाहिए 90, जब बीच का कोण 90 रहेगा तो क्या हो जाएगा कार्य शून्य होगा, क्योंकि cos 90 का मान होता है जीरो, cos 90 मान कितना होता है जीरो, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो
किया गया कार्य। देखिए W बराबर होता है आपका एफ डी, तो F का मान कितना दिया है 20 और D का मान है 4, तो 20 टक को 80 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए कर लीजिएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कार्य होता है यदि, कार्य कब होगा, बल होगा तब, ऊर्जा जब उपस्थित रहेगा, घर्षण की स्थिति में, शक्ति, कब कार्य होगा। देखिए कार्य कब होगा बता रहे हैं, जब आपके पास बल होगा, क्या होगा, जब आपके पास बल होगा ना तभी कार्य होगा, क्योंकि W बराबर क्या है, W बराबर एफ टी है, आपके पास जब बल होगा ना तभी ना कार्य होगा, क्या होगा, जब आपके पास बल होगा तभी कार्य होगा, क्योंकि W बराबर होता है एफ डी, तो बल जब होगा आपके पास तब कार्य होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, क्या हो, विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जो विस्थापन है बल की दिशा के लंबवत, क्या दोस्तों, जो विस्थापन है बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो जब लंबवत होगा तो बल द्वारा किया गया कार्य जो धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, कैसे जानेंगे इसका आंसर, देखिए W बराबर होता क्या है, W बराबर तो एफ डी, कहो W बराबर, तो W बराबर होता है आपका एफ डी। देखिए क्वेश्चन है, किया गया कार्य निम्न से किस पर निर्भर करता है, तो यार W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, थीटा आ रहा ना, कोण भी आ रहा है, देखो बल पर, बल आ रहा है बेटी, तो बल पर तो निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर, अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं करता, विस्थापन डी विस्थापन पर करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर ये भी करेगा, लेकिन यार वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, बताइएगा कौन है जो अधिक कार्य कर सकता है, चार ऑप्शन दिएगा, चार में से आपको बताना है अधिक कार्य कौन कर सकता है, कौन जो है अधिक कार्य कर सकता है, तो एक चली हुई गोली, क्या हो, एक चली हुई जो गोली है ये अधिक कार्य कर सकता है, बी नंबर। नेक्स्ट चलिए इसको बताना है, देखिए एक मजदूर जो है, क्या है, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करना है, क्या करना है, हाँ उसके द्वारा किए गए काम की गणना करना है, चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा एम जी एच निकालना है अपन को, एम का मान दिया 10, जी का मान दिया 10 और हाइट दिया 1.2, तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे सिंपल सी बात है, चलिए कर दीजिए इसका आंसर, 120 जूल, हाँ जिनका भी 120 जूल आ रहा है सभी का सही हो जाएगा, क्या आ जाएगा 120 जूल राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर 120 जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल, तो जूल होना चाहिए, ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट तो ये कार्य क्या कहलाता है, कार्य W बराबर क्या है, एफ डी है, क्या है W बराबर आपका एफ डी है, एफ डी बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट एक वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन, तो विस्थापन ज्ञात करना है, देखिए W बराबर होता है एफ डी, क्या होता है W बराबर, तो W बराबर होता है आपका क्या दोस्तों, W बराबर आपका होता है एफ डी होता है, क्या होता है एफ डी, तो W का मान कितना दिया है 56 जूल और F का मान कितना दिया है 7 और D 7 8 56 8 आ गया, क्या आ गया, तो D का मान क्या आ जाएगा 8 मीटर, क्या होगा D का मान, तो D का मान जो आपका होगा वो 8 मीटर होगा। नेक्स्ट देखिए 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, कितना न्यूटन, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होते, क्या हो रही है
5 मीटर विस्थापित हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? देखिए W बराबर हो जाएगा आपका एफ डी, एफ का मान दिया है 10 और डी का मान दिया 5, 10 पना कितना हो जाएगा 50, क्या होगा 10 पना 50, तो 50 क्या हो जाएगा जूल, कार का मात्रक जूल तो 50 जूल। देखिए न्यूटन भी दिया 50, माइनस प्लस तो नहीं करना, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? देखिए विस्थापन पर तो निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण इस पर भी निर्भर करता है, प्रयुक्त बल इस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, देखिए एफ बराबर जीरो इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा? डब्लू बराबर भी जीरो, क्योंकि डब्लू बराबर क्या होता है? एफ डी। अब भाई एफ का जो मान है, देखिए f बराबर जीरो तो w बराबर जीरो हो जाएगा, इसलिए क्योंकि w बराबर होता है fd होता है। अब f का मान जीरो रख दोगे तो सब जीरो हो जाएगा, तो w बराबर भी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा w बराबर? तो w बराबर भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो। क्या होगा? w का मान जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पोर्टर ज़मीन से 90 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, सामान पर कितना कार्य करना है? तो वही mgh लगाना है। M का मान है 12, G का मान है 10, हाइट है 1.2, तो कितना आ जाएगा? 1.5 है हाइट, तो कितना आ जाएगा? 150 जूल, सिंपल है। नेक्स्ट, चलिए इसको करके बताइए आप लोग। हाँ, अब इतना सवाल बता दीजिएगा, आपको करके बताना क्या आएगा इसका। चलिए करके बताइए क्या आ जाएगा इसका। देखिए करना कैसे है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक उठाया जाता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य, देखिए डब्लू बराबर होता है ना एफ डी होता है, क्या होता है? डब्लू बराबर एफ डी होता है। अब एफ का मान कितना दिया है? एफ का मान दिया 25 न्यूटन, डी का मान कितना दिया है 5, तो 25 पंचे कितना होगा? 125 जूल। सी क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो तो यह क्या माना जाएगा, बताइए। देखिए दीवार को धक्का दिया लेकिन विस्थापित नहीं हुआ, जब विस्थापन नहीं हुआ तो जो विस्थापन है क्या हो जाएगा? डी का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब भाई जब डी जीरो है तो डब्लू बराबर क्या होता है? एफ डी। तो जब डी जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब डब्लू क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा? जब विस्थापन जीरो रहेगा तो जो किया गया कार्य है क्या हो जाएगा? बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, मतलब जीरो कार्य का होगा, कार्य जीरो माना जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको बताना कि हो क्या जाएगा। चलिए देखिए, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर तक चलता है, कितना चल रहा है? 4 मीटर तक चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? देखिए W बराबर होता है आपका एफ डी, क्या होता है? W बराबर एफ डी होता है। F का मान दिया है 12 और D का मान दिया है 4 मीटर, 12 चक्कू 48 जूल, कितना हो जाएगा? 12 चक्कू 48 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? देखिए वेग पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर निर्भर करेगा, बल पर निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करेगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक क्या है? कार्य हुआ है इसके लिए कौन कौन सी शर्तें होना चाहिए, उसमें एक शर्त, तो भाई देखो कार्य तभी माना जाएगा होना जब विस्थापन होना चाहिए, जरूरी क्या है? विस्थापन जरूर होना चाहिए, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखिएगा, निम्न ना होने पर किया गया कार्य शून्य माना जाता है, किसके ना होने पर जो है किया गया कार्य हम शून्य मानते हैं? वेग, विस्थापन, शक्ति, आवेग। देखिए सूत्र में आता है कि W बराबर होता है एफ डी, मतलब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, अगर विस्थापन जीरो कर दोगे तो कार्य भी जीरो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? अगर आप विस्थापन जीरो कर दोगे तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? कार्य का मान भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य, और कार्य का मात्रक क्या है? जूल, और कार्य क्या है? तो कार्य आपका अदिश राशि है, क्या है?
आदिश राशि है। नेक्स्ट, कार्य का गुणनफल क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए बताइए कार्य का गुणनफल क्या होता है, राइट आंसर कर दीजिए। कार्य का गुणनफल क्या होता है, ऊर्जा और आयतन, शक्ति और विस्थापन। चलिए बताइए कार्य का गुणनफल क्या होता है। तो कार्य का जो गुणनफल होता है आपका, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन क्या होता है, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, हाँ डी नंबर जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण है तो कार्य क्या हो जाएगा। देखिए 90 है तो कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार आपका शून्य हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कार्य आपका शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलो इसको कर लेना, बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपसे। देखिए नेक्स्ट, निम्न का केवल परिमाण है दिशा नहीं है। भाई जिसका केवल परिमाण है दिशा नहीं है उसको बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं, अदिश। जिसका केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता उसी को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो क्या है ऐसा, कार्य है। कार्य में क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो कार्य क्या है, कार्य आपका अदिश राशि है। चलिए इसको कर लीजिएगा, कार्य ज्ञात करना है। तो इसका जो कार्य, कोई भी चीज़ उठा रहे हो तो उसमें कितना कार्य होगा। एम जी का मान दिया है 10, हाइट दी है 2, तो 10 दूनी 20 जूल, कितना जाएगा 20 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दिया है विस्थापन 10 मीटर और बल का मान दिया है 10 न्यूटन, तो किया गया कार्य, तो एफ डी लगा दो, डब्ल्यू बराबर एफ डी, एफ का मान है 10 और डी का मान है 10, 10 दाम 100 जूल। क्या आएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिए साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है। साथियों जो कि बनलाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये बनलाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज बनलाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है, तो आपको टॉप 5 या क्वेश्चन रटने बच्चे और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25-25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी, कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन माने सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना तो मॉक टेस्ट में आप 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी भी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई, दोस्तों आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, आज जो अपन करने वाले हैं, देखिएगा साइंस स्पेशल में बायो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं। ये फर्स्ट नंबर का है क्वेश्चन, पहला बताइएगा क्या हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं जो हैं संयोजित होती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं युग्मजन, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, इसको बोलते हैं जाइगोट, युग्मजन कहते हैं। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होने वाला है, डी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैले रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है, इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः बना है किससे बना है, वह संभवतः किससे बना है। तो यहाँ से पता चलता है कि एंडोस्पोर्स किससे बना है, एंडोस्पोर्स से बना है, ये पता चलता है, सी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा अगला है, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकती, तो कौन है ये,
कौन है ये जो समुद्र में रहता है, अंटार्कटिका की बर्फ में रह सकता है, ये सब चीज़ों में रह सकता है, तो वो कौन है दोस्तों? विषाणु है, जीवाणु है, अमीबा है, युगलीना है। तो ये रह सकता है दोस्तों आपका कौन है? जीवाणु है। कौन है? जीवाणु, बैक्टीरिया है। कौन है ये? बैक्टीरिया है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है आपका? साल्मोनेला है कि राइजोबियम है, इकोली है, सुडोमोनास है? हाँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात की जाए ना तो राइजोबियम है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका राइजोबियम है, क्या है आपका जो राइजोबियम है, क्या है राइजोबियम जो है आपका, ये क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम। नेक्स्ट देखिएगा, अगला। दूध को दही बदलने के लिए, क्या दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो दूध को दही में बदलने के लिए हम लैक्टोबैसिलस, किसका? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग करते हैं। दूध को दही में बदलने के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे? लैक्टोबैसिलस का। चलिए, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसी प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोश की जीव समाविष्ट होते हैं? क्या? हाँ, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसी, देखिएगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोश की जीव समाविष्ट होते हैं, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों मोनेरा। क्या हो जाएगा? मोनेरा हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, बताइए कौन सा जीव है जो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया है सबसे पहले किसने किया और उस माध्यम से ऑक्सीजन को उत्पन्न किया, वो ऑक्सीजन उत्पन्न किया सबसे पहले? तो वो आपका दोस्तों साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, जिसको बोलते हैं नील हरित शैवाल। सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ था वो नील हरित शैवाल में हुआ था, अब सबसे पहले जो ऑक्सीजन उत्पन्न किया था तो नील हरित शैवाल है। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ, अगला क्वेश्चन है, अमीबियासिस के कारण क्या होता है? हाँ, अमीबियासिस के कारण क्या होता है? इसके कारण होता है आपको पेचिस की, हाँ पेचिस होता है। क्या होता है? पेचिस हो जाता है इसके कारण, अमीबियासिस के कारण क्या होता है? पेचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो कहाँ पर होते हैं? बैसिली जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं? तो आपके जो बैसिली होते हैं छड़नुमा, कैसे होते हैं? छड़नुमा जीवाणु होते हैं। कैसे जीवाणु होते हैं? देखिए जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, जीवाणु छड़नुमा होता है, गोलाकार होता है, कामा होता है, तो जो जीवाणु बैसिली है ना वो आपका छड़नुमा होता है। ए नंबर राइट आंसर होगा। कैसा होता है? छड़नुमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहते हैं? एक सिरे पर क्या होता है? फ्लैजेला होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं मोनोट्राइकस। क्या बोलते हैं इसे? मोनोट्राइकस बोलते हैं। बी नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसेरिकिया, क्या? एसेरिकिया कोलाई। क्या है? एसेरिकिया कोलाई जो है निम्न में पाया जाता है। क्या दोस्तों? एसेरिका कोलाई जो है निम्न में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों ये? तो मनुष्य की आंत में। किस में पाया जाता है दोस्तों? मनुष्य की आंत में पाया जाता है एसेरिकिया कोलाई। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? हाँ बताइए कौन जो है मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, बैक्टीरिया मोनेरा से रिलेटेड है, साइनोबैक्टीरिया मोनेरा का है, और माइकोप्लाज्मा ये मोनेरा ग्रुप का है, लेकिन डायटम जो है ना ये मोनेरा ग्रुप का नहीं है। क्या? डायटम की। क्या दोस्तों? डायटम जो है आपका मोनेरा ग्रुप का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? बहुविखंडन कौन प्रदर्शित करता है? तो क्या कौन प्रदर्शित करता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन कौन प्रदर्शित करता है? प्लाज्मोडियम करता है। ईस्ट हाइड्रा प्लेन ये बहुविखंडन नहीं करते हैं, तो प्लाज्मोडियम आपका हो जाएगा सी। याद रखिएगा, देखिएगा
बायो में देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको याद रखने वाली बात है, जहाँ पर समझाने की बात आएगी समझा देंगे। तो बहुविखंडन क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। देखिए फंगी से रिलेटेड क्वेश्चन, फंगी किसको बोलते हैं? कवक को बोलते हैं। अब कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कवक के अध्ययन को याद रखिएगा बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्वेश्चन क्या है? कुछ बहुकोशिकी सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्पिरिजिलस इत्यादि प्रजनन किस प्रकार होता है? तो बताइएगा राइजोपस में, मशरूम में और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो होता है जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार का होता है बताइएगा? इनमें जो इनमें जो प्रजनन की प्रकार होती है ये आपका होता है कैसे? हाँ कैसे होता है प्रजनन पर? बीजाणु प्रकार से। कैसे? बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप पाए जाते हैं? सबसे साधारण सबसे साधारण संरचना वाले जो केंद्रीय संरचना पाए जाते हैं तो वो आपका पाया जाता है थाइलोफाइटा में। इसमें थाइलोफाइटा ये बेसिक है। क्या है? पादप बनने का, पौधा बनने का सबसे बेसिक जो संरचना होता है वो थाइलोफाइटा में रहता है। तो यही पूछा सबसे साधारण केंद्रीय संरचना, तो सबसे जो बेसिक होता है ना थाइलोफाइटा में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा है? हाँ ब्रेड बनाने में जो है, किसमें? ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर है वो क्या है? तो वो आपका दोस्तों ब्रेड बनाने में जो प्रयोग किया जाने वाला खमीर है किड़वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्या? किड़वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और नया स्वतंत्र जीव बना लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ये चीज़ें क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं बहुविखंडन। क्या बोलते हैं? बहुविखंडन बोलते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, निम्न बहुविखंडन द्वारा जनन होता है, क्या होता है? निम्न बहुविखंडन द्वारा जनन होता है बताइएगा। बहुविखंडन द्वारा, निम्न बहुविखंडन द्वारा जनन होता है तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम, बी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, लाइकेन प्लांट निम्न डिवीजन से संबंधित है, क्या? जो लाइकेन प्लांट है निम्न डिवीजन से संबंधित है, तो लाइकेन के लिए बताइएगा। तो लाइकेन जो तो होता है आपको किसमें रखा गया, कौन से वर्ग में आता है लाइकेन? तो आपका लाइकेन आता है, हाँ जितने भी साथी बी नंबर का ना सभी का सही, लाइकेन आपका थाइलोफाइटा में आता है। किसमें आता है? थाइलोफाइटा। और थाइलोफाइटा की जो संरचना होती है ना, क्या? थाइलोफाइटा की जो संरचना होती है इसकी संरचना बहुत ही बेसिक होती है, साधारण संरचना होती है थाइलोफाइटा की। नेक्स्ट अगला देखिए, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा होती है वे क्या कहलाते हैं? हाँ स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती, बोला नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको बोलते हैं थाइलोफाइटा। ठीक है, शरीर विभेदित, अलग अलग शरीर नहीं होता, सब पूरे जो पौधा है वो एक ही रूप में पाया जाता है, साधारण शरीर संरचना होती है, इसमें जड़ तना पत्ती सब नहीं पाए जाते हैं। डी वाला सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान से देखना क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आपको करना है। देखिएगा इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है बताइएगा, कौन है? सेप्रोटोप है, तो ये बताइएगा। तो इसमें से कौन है आपका? कुकुरमुत्ता है। क्या? कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता किस में आता है? तो कुकुरमुत्ता आपका कवक में आता है। किस में आता है? कवक में आता है, फंगी में आता है कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट देखिए, सवालों के अध्ययन को अगर पूछा जाए तो क्या बोलते हैं? सवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज की कि सेलुलोज, काइटिन या लिग्निन? तो देखिए कवक की कोशिका भित्ति है तो बताते हैं आपको, कवक की कोशिका भित्ति कैसे? कवक कैसे? काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, याद रखने वाली बात है ये, और ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए
आरआरबी एलपी में आ चुके क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और ये पूछ देता है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनती है, तो सेलुलोज बताना है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनती है, तो आपको बताना है सेलुलोज की। लेकिन कवक का पूछे तो आपको काइटिन बताना है। नेक्स्ट देख लीजिए, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्कराओं से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है जटिल शर्करा से बनती है, उसको क्या बोलते हैं, काइटिन। क्या बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं। तो सिंपल सी क्वेश्चन आ सकता है कि कवक की जो कोशिका भित्ति किसकी, कवक की जो कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है, तो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट, मशरूम एक क्या है बताइएगा, मशरूम क्या है आपका। तो मशरूम की अगर बात की जाए तो मशरूम क्या दोस्तों, एक कवक है। मशरूम क्या है, तो मशरूम आपका है कवक। क्या है मशरूम, मशरूम आपका कवक है। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला, निम्न एक बहुकोशिकी जीव है, बताइए कौन सा जो है एक बहुकोशिकी जीव है। बताइए कौन एक बहुकोशिकी जीव है, ये आपको बताना है। तो बहुकोशिकी जो जीव है ना, कौन है दोस्तों बहुकोशिकी जीव आपका, देखिए साइनोबैक्टीरिया तो एक कोशिकीय, पैरामेशियम एक कोशिकीय, माइकोप्लाज्मा सब एक कोशिकीय। एगेरिकस जो है ना ये बहुकोशिकी जीव है। कौन सा, एगेरिकस जो है बहुकोशिकी जीव है। नेक्स्ट, सवाल, सवाल किस समूह से रिलेटेड है। सवाल, सवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। किस, हाँ सवाल जो है किस समूह से रिलेटेड है बताइएगा, कहाँ से संबंध रखता है सवाल। तो सवाल को जो रखा गया है आपका थैलोफाइटा समूह में रखा गया। किसमें, देखिए सवाल की साधारण संरचना होती है इसलिए थैलोफाइटा में, क्योंकि थैलोफाइटा में आने वाले जितने भी हैं पादप, उनकी शारीरिक संरचना जो होती है वो साधारण होती है, स्पष्ट होती है, विभेदित नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि तना पत्ती अलग अलग हो, सब एक एक रहेगा, तना टाइप से, उसमें पत्ती पत्ती नहीं रहेगा, जड़ वगैरह सब नहीं रहेंगे ये चीज़ें, क्योंकि सबसे बेसिक पादप माना जाता है थैलोफाइटा को। नेक्स्ट देखिएगा, अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। क्या करता है, बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। हाँ तो ये कौन करता है बीजाणु निर्माण द्वारा, राइजोपस। राइजोपस जो है क्या दोस्तों, राइजोपस जो है दोस्तों आपका बीजाणु निर्माण द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है, यह बताना है। क्या बताना है आपको, बीजाणु निर्माण द्वारा, तो राइजोपस, अभी इसके पहले क्वेश्चन आ ही चुका है ये, तो राइजोपस है इसका। नेक्स्ट अगला देखिए, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे जो कवक हैं जो भोजन के लिए विशेषकर क्या है, कीड़ों पर निर्भर रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पैरासाइटाइड। क्या, पैरासाइटाइड बोलते हैं, बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है मुकुलन द्वारा जनन करता है, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट और प्लाज्मोडियम। बताइए कौन जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, जनन करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ईस्ट। जो होता है आपका ईस्ट होता है ना, क्या ईस्ट होता है, ईस्ट क्या करता है, कैसे प्रजनन करता है, मुकुलन के द्वारा। कैसे, मुकुलन के माध्यम से प्रजनन करता है कौन, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे से कौन सा बडिंग पुनरुत्पादित, मतलब बडिंग जैसे क्या करता है, प्रजनन करता है, तो बडिंग टाइप से करता है जो, वो खमीर और हाइड्रा। क्या, खमीर और हाइड्रा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको क्या करना है, पेन और पेपर निकाल के बैठना है, क्वेश्चन देखो, आंसर लिखते जाओ, लास्ट में आप ये बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्या बताना है, कितने क्वेश्चन सही हुए। अब चलिए एक बार शेयर कर देंगे सभी साथी, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, एक बार शेयर कर देंगे। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा
पौधा थैलोफाइट समूह में वर्गीकृत नहीं है। हाँ, थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है, तो वो आपका रिक्सिया। देखिए थैलोफाइटा जो होता है ना, बेसिक पौधा है। क्या है? पादप बनने के जो बेसिक जो संरचना है वो सभी थैलोफाइटा में होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, कैसे होता है ये? तो ये होता है दोस्तों आपके, कैसे होता है? मुकुलन बडिंग द्वारा। कैसे होता है दोस्तों? मुकुलन बडिंग के द्वारा होता है। कैसे होता है? मुकुलन बडिंग के द्वारा होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, ये आपको बताना है। क्या बताना है? मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक जो प्रजनन है किसमें होता है? तो ये होता है आपको दोस्तों किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें होता है ये? ये आपका होता है ईस्ट में होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला। निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड माल्ड के रूप में जाना जाते हैं? किस रूप में जानते हैं? ब्रेड माल्ड के रूप में जाने जाते हैं, बताइए। राइजोपस है कि अमीबा? तो ये जानते हैं राइजोपस को, राइजोपस को हम ब्रेड माल्ड के रूप में जानते हैं। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करता है? क्या किसका जो है अंतहीन स्रोत उत्पन्न करता है, आपको बताना है। चलिए बताइए, हाँ क्या हो जाएगा? आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा ना आपका मीथेन है। मीथेन का है महासागरों में होता है। महासागरों में क्या है, जो शैवाल होते हैं ना वहाँ से निकलता है मीथेन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। निम्न समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। हाँ, किस समूह के पौधों को हम शैवाल कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, बता ही चुके कई बार, थैलोफाइटा समूह से जो संबंधित हैं उनको हम बोलते हैं शैवाल। किससे? जो थैलोफाइटा संबंधित है उसको बोलते हैं क्या? शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या? हाँ, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो थैलोफाइटा कहलाते हैं। बेसिक संरचना पादप बनने की, पौधे बनने के सबसे बेसिक संरचना वाले जितने भी होते हैं वो थैलोफाइटा में थे। जैसे सवाल किस में आएगा? थैलोफाइटा में। लाइकेन किस में आएगा? थैलोफाइटा में आएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है, बताइएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? कारा, मार्सिलिया, देवदार या फर्न? तो देखिएगा, गैर संवहनी पौधा है ये चीज़ पूछा है, तो गैर संवहनी पौधा की बात करें तो कारा है। क्या है? कारा गैर संवहनी पौधा है। नेक्स्ट, अगला। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती है क्या कहा जाता है? थैलस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थैलस। जिसमें जो है जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती, थैलस बोलते हैं। और इस पौधे को क्या बोलते हैं, किस समूह में रखा गया? इसी से बना है थैलोफाइटा। जो थैलोफाइटा समूह में जो पौधे हैं, जिन पौधों को थैलोफाइटा में रखा गया, उनमें जड़, तना, पत्तियां अलग अलग नहीं होती है, है ना? क्या हो? अलग अलग। एक तना सा निकला रहता है, उसी को मान लो आप तना मानो, जड़ मानो, पत्ती कुछ भी मानो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट बॉडी जो है, कौन सा प्लांट बॉडी जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं रहता? तो भाई ये सब अलग अलग नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं? अलग अलग नहीं रहता तो आपका है स्पाइरोगाइरा। ये किस में संबंधित है? थैलोफाइटा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं। क्या है? सबसे प्राचीनतम पौधे शैवाल। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से किस में पाए जाते हैं शैवाल? तो शैवाल आपके कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? शैवाल पाए जाते हैं आपके रेत में। कहाँ पाए जाते हैं शैवाल? तो शैवाल आपके रेत में पाए जाते हैं। सबसे प्राचीनतम है, क्या है शैवाल? शैवाल जो है सबसे प्राचीनतम पौधे हैं। क्या है शैवाल दोस्तों? शैवाल है सबसे प्राचीनतम पौधे जो कहाँ पर पाए जाते हैं?
रेत में पाए जाते हैं। कहाँ पर? रेत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल है, तो एक कोशिकीय हरित शैवाल की बात करोगे घर तो क्या है? हाँ, एक कोशिकीय हरित शैवाल, चलिए कर दीजिए इसका आंसर जिससे बन जाएगा, तो क्लेमाइडोमास है। क्या है? एक कोशिकीय जो है क्लेमाइडोमोनास है, ये एक कोशिकीय हरित शैवाल है। क्या है? एक कोशिकीय हरित शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। हाँ, पादप जगत के जो है उभयचर किनको बोलते हैं बताइए? चलिए बताइए किनको बोलते हैं पादप जगत के उभयचर? बताइएगा पादप जगत के उभयचर किनको बोलते हैं? चलिए बताइए, हाँ, पादप जगत के उभयचर किनको बोलते हैं? तो ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? पादप जगत के जो उभयचर बोलते हैं वो आपको बोलते हैं, किनको बोलते हैं? पादप जगत के उभयचर किनको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को। किनको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को बोलते हैं, पादप जगत के उभयचर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? क्या है? एक ब्रायोफाइटा नहीं है। हाँ बताइए, ब्रायोफाइटा एक नहीं है तो कौन सा नहीं है? चारा, इसी को बोलते हैं कारा, तो ये ब्रायोफाइटा में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राइजाइड्स के बारे में गलत है? क्या है? राइजाइड्स के बारे में गलत है कौन सा? तो यहाँ पर क्या, हाँ ये सभी सही हैं। देखिए, इनमें पूर्ण विकसित तना जड़ और पत्तियाँ होती, गलत है भाई। पूर्ण विकसित तना जड़ पत्ती नहीं होती। क्या होती है? क्या ये पूर्ण विकसित नहीं होते, अपूर्ण विकसित रहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? एम्फीबियन पौधों को, ये तो पानी में भी उग सकते हैं और रेत में भी उग सकते हैं। क्या? पानी में भी उग सकते हैं और रेतीली जो जमीन होती है, रेतीली, उसमें भी ये उग सकते हैं। तो बताइए, एम्फीबियन पौधों को किस वर्ग में रखा गया? तो ब्रायोफाइटा में। किस में रखा गया है? ब्रायोफाइटा में रखा गया। किसको? एम्फीबियन पौधों को। अगला देखिए, रिक्सिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? रिक्सिया, हाँ रिक्सिया जो आता है ब्रायोफाइटा में, क्योंकि रिक्सिया क्या है? रिक्सिया जो है क्या है दोस्तों? एम्फीबियन वर्ग का है। क्या है? रिक्सिया जो पौधा है एम्फीबियन वर्ग में आता है, और एम्फीबियन वर्ग को बोलते हैं क्या? ब्रायोफाइटा। जो एम्फीबियन वर्ग है इसको क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। देखिए, थैलोफाइटा है, इसमें जो बेसिक संरचना वाले होते हैं, प्राचीन काल में जो पौधे थे उनको थैलोफाइटा बोलते हैं। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन तो हो गया है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स की जो निचली बाएं त्वचा है, क्या है? ब्रायोफाइट्स के निचली जो बाएं त्वचा है, एपिडर्मिस जो बोलते हैं, कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों राइजाइड। क्या बोलते हैं? राइजाइड बोलते हैं, ए नंबर। नेक्स्ट चलिए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर चलिए कमेंट बताइए क्या होता है। इसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा बोलते हैं, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेरिडोफाइट क्या है? टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? जो टेरिडोफाइटा होते हैं इनके समूह में क्या नहीं पाया जाता? तो यहाँ पर यह आपको क्या नहीं पाया जाता? फूल। क्या है? टेरिडोफाइटा में फूल नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? फूल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह संबंधित नहीं है? हाँ, थैलोफाइटा से रिलेटेड नहीं है। कौन नहीं है बताइए? थैलोफाइटा से रिलेटेड नहीं है, तो मार्सीलिया जो है आपका, क्या आपका जो मार्सीलिया है ये थैलोफाइटा से रिलेटेड नहीं है। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न जो है संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधा थे, कौन?
कौन जो है संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधा थे, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका टेरिडोफाइटा जो थे ना, संवहनी ऊतक वाले क्या थे, पहले जमीनी पौधा। तो संवहनी ऊतक किस में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। अगला देखिए, ये नेक्स्ट जो टेरिडोफाइट है क्या होते हैं, तो टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं दोस्तों, हाँ बताइए, तो टेरिडोफाइटा में देखो बीज नहीं होता है, टेरिडोफाइटों में बीज नहीं होता लेकिन संवहनी पौधे होते हैं। तो टेरिडोफाइटा में बीज रहित संवहनी पौधा क्या होता है टेरिडोफाइटा में, तो टेरिडोफाइट में होता है बीज रहित संवहनी पौधा, बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगला, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों और तनों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें जो है पौधे के शरीर को जड़ों तनों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों मासीलिया, क्या हो जाएगा मासीलिया हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है, थैलो मार्सीलिया क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, थैलोफाइटा से रिलेटेड नहीं है, मार्सीलिया नहीं है, क्या है मार्सीलिया नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, बताइएगा, हाँ किसमें जो है गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, तो मार्सीलिया में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं ये आपके जो पाए जाते हैं मार्सीलिया में पाए जाते हैं, क्या गुप्त प्रजनन अंग, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जाइनोस्पर्म से क्वेश्चन करेंगे अनावृत बीजी से, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में आवरण रहित बीज रहते हैं, आवरण रहित बीज, बीज रहते हैं लेकिन उसमें आवरण नहीं होता है, क्या दोस्तों, हाँ बीज रहते हैं लेकिन उसमें क्या है आवरण नहीं होता, तो वो कौन से पौधे हैं, तो वो है दोस्तों आपका देवदार, देवदार का कौन सा पौधा, देवदार का पौधा होता है डी, क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्न जो हैं नग्न बीजी होते हैं, बताइएगा कौन है जो नग्न बीजी होते हैं, बताइए नग्न बीजी कौन होते हैं ये आपको बताना है, चलिए बताइएगा कौन जो होते हैं वो नग्न बीजी, पाइनस नींबू गाजर और गेहूं, चलिए बताइए, तो आपका जो पाइनस होता है, क्या दोस्तों आपका जो पाइनस होता है ये होता है नग्न बीजी, क्या पाइनस जो होता है वो नग्न बीजी होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पादन करता है, अनावृत बीज देखो बीज रहेगा लेकिन वो ढका नहीं रहेगा, तो वो आपका हो जाएगा अनावृत बीजी में, किसमें होता है ये सब चीज़ें, हाँ अनावृत बीजी में होता है डी। देखो ब्रायोफाइटा तो क्या है एम्फीबिया है, थैलोफाइटा में क्या होता है ये प्राचीन पौधे का एक समूह है, पहले के जो पौधे थे वो थैलोफाइटा टाइप से थे, आवृत बीजी में क्या है जो बीज होगा वो ढका रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है, चलिए बताइए जिम्नोस्पर्म, बताइएगा कौन जिम्नोस्पर्म है, बताइएगा हाँ चार में से बताइएगा कि निम्न में से कौन जो है जिम्नोस्पर्म है ये बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए एक बार शेयर कर देंगे सभी, हाँ जितने सभी साथी क्लास ले रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, तो जिम्नोस्पर्म कौन है बताइएगा, तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की बात की जाए जो आपका चीड़ है दोस्तों, क्या है चीड़ के वृक्ष जो है ये आपका जिम्नोस्पर्म में आता है, किसमें आता है जिम्नोस्पर्म में आता है। नेक्स्ट, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंतः बीज बनाते हैं क्या कहलाते हैं, क्या करते हैं अंतः बीज बनाते हैं उनको बोलते हैं फैनरोगम, क्या है फैनरोगम, थोड़ी देखिए शब्द कठिन लेकिन यार पेपर में तो आए हैं तो याद तो करना पड़ेगा, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद तो करना पड़ेगा, किसमें जो है बेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती है, क्या होती है जल संवाहक कोशिकाएं होती है, तो किसमें होती है जल संवाहक कोशिकाएं, एंजियोस्पर्म में जल संवाहक जो कोशिकाएं होती हैं, क्या दोस्तों जल संवाहक जो कोशिकाएं होती है वो आपके एंजियोस्पर्म में होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला, परागण निम्न समूह के पौधों की एक विशेषता है, परागण, परागण कौन करते हैं किस समूह के जो पौधे परागण करते हैं, एंजियोस्पर्म वाले, किस पर के वाले कौन से वाले
एंजियोस्पर्म वाले जो होते हैं वो आपके परागण करते हैं, क्या करते हैं, परागण के माध्यम से प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट, अगला, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागण होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से जो है क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जो समूह में जो है वो परागण होता है, तो परागण हम बता चुके हैं पहले भी, हाँ परागण होता है किस में होता है आपको बताना है, तो आवृतबीजी में, किस में होता है परागण, आवृतबीजी। एंजियोस्पर्म में क्या होता है परागण, देखिए आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, द्विनिषेचन का गुण किस में होता है, द्विनिषेचन का गुण किस में होता है, तो आवृतबीजी में, किस में होता है, आवृतबीजी में। नेक्स्ट, वे आवृतबीजी पौधे हैं जिनके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाँ दो बीज पत्र होते हैं तो उनको बोलते हैं द्विबीजपत्री। देखिए द्विबीजपत्र होते हैं तो द्विबीजपत्री, एक बीज पत्र होते तो एकल बीजपत्री बोल देते। नेक्स्ट, आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना होती है, किस प्रकार की रचना होती है, जो आवृतबीजी होते हैं, देखिए बता देते हैं, आवृतबीजी जो इतने पौधे होंगे उनके जो पत्ती होंगे ना दो दो क्या रहेंगे, दो दो में बने रहेंगे, किसमें, दो दो में रहेंगे, दो दो पत्तियों के समूह में रहते हैं आवृतबीजी में। निम्न, क्वेश्चन नंबर 71 है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं, किसमें होते हैं, फूल में स्थित होते हैं, तो एंजियोस्पर्म में होते हैं, जो प्रजनन संबंधी जो भाग होते हैं, क्या होते हैं, प्रजनन संबंधी जो भाग होते हैं वो आपके किसमें, फूल में होते हैं, तो एंजियोस्पर्म में, क्या, एंजियोस्पर्म समूह में जो पौधे होते हैं उनका जो प्रजनन संबंधी जो भाग है वो फूल में होते हैं, किसमें होते हैं, फूल। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है एक बीज पत्री पौधा कौन सा है, इसमें से एक बीज पत्री पौधा कौन सा है, तो इसमें जो एक बीज पत्री पौधा है आपका लहसुन है, क्या है, लहसुन। और लहसुन में जो खारापन पाया जाता है, लहसुन में जो अपन पाया जाता है क्या दोस्तों, लहसुन का जो खारापन होता है ना किसके कारण होता है, तो सल्फर के कारण होता है, किस कारण होता है, सल्फर पाया जाता है लहसुन में, क्या होता है, लहसुन और प्याज में सल्फर पाया जाता है। अगर गाजर की बात करोगे तो गाजर क्या है, जड़ वाला पौधा है, क्या है, जड़ वाला है। चलिए, हेलो दोस्तों, धातु और यौगिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो पहला जो अपन टॉपिक रहेगा सोडियम से रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, और सभी लोग पेन और पेपर निकाल के बैठ ले, और लास्ट में हमको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में, किस रूप में, प्रति अम्ल के संघटक। तो देखिए प्रति अम्ल जो अम्लों को क्या कर देता है, अम्लों को नष्ट कर देता है, उसको बोलते हैं दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसी को। चलिए और आंसर करते रहना है आपको, आपको आंसर करते रहना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, चलिए बताइएगा, हाँ कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम की क्या, आपको बताना है। चलिए जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं ना सभी को आंसर करना है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं क्या, कास्टिक सोडा, Na2CO3, किसको, Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देते हैं, बी नंबर राइट आंसर होगा इसका, और जितने भी साथी बी नंबर किए हैं सभी का सही है। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम, सोडियम कार्बोनेट को अपन जो मतलब बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं गांव के भाषा में क्या बोलते हैं, धोबन सोडा, कपड़ा धोने के काम में आता है सोडियम कार्बोनेट, क्या आता है, कपड़ा धोने के काम में आता है। और जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें होता है 10 भाग पानी होता है, 10H2 होता है, कितने भाग पानी होता है, 10 भाग पानी होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम की बात करें धोबन सोडा है, क्या है, धोबन सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा
निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन के तेल में संग्रहित होती है? केरोसिन के तेल में कौन सी धातु संग्रहित होती है? तो अपनी सोडियम। किसको संग्रहित करते हैं? सोडियम को। क्योंकि क्यों करते हैं सोडियम को? क्योंकि सोडियम जो है बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। क्या है सोडियम? सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक की अगर बात की जाए तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 23 होता है। और सोडियम जो है पहले वर्ग का सदस्य किसका है? पहले वर्ग में आता है सोडियम। तो सोडियम को हम केरोसिन में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण इसको हम केरोसिन में रखते हैं। चलिए ठीक है, तांबा और सोना की बात करोगे, इसको सिक्का धातु कहते हैं। तांबा कापर का परमाणु क्रमांक की बात किया जाए 29 है, और सोना का बात किया जाए AU। सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑरम है। परमाणु क्रमांक है सोना का 79। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, जलाने पर निम्न में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है? मतलब बताइएगा कि हम मतलब इनमें से कौन से धातु को हम जलाएंगे तो जलने पर जो ज्वाला आएगी ना उसमें पीला रंग होगा, बताइएगा। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन आता रहा कि स्ट्रीट लाइट में जो होता है कौन सा रंग, स्ट्रीट लाइट में हम कौन से धातु का प्रयोग करते हैं जिससे पीला रंग मिलता है? तो सोडियम धातु दोस्तों, सोडियम। तो जलाने पर ज्वाला का जो रंग पीला होता है वो सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का जो रंग होता है वो पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। देखिए सोडियम कार्बोनेट का अगर पूछेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, क्या है? Na2CO3। ये क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। किसका सूत्र है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जब हम HCl से अभिक्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे? HCl से अभिक्रिया कराएंगे जब हम, तो बताइएगा कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलेगी? CO3 है ना, तो जो CO3 है CO2 बन जाता है अभिक्रिया के बाद, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियम, तो नेट्रियम किसका लैटिन नाम है अगर बात करें हम, तो ये होता है नाइट्रियम Na। क्या दोस्तों? Na को बोलते हैं नाइट्रियम। तो नाइट्रियम Na को बोलते हैं, और Na को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। तो सोडियम का जो लैटिन नाम है आपका क्या है? नाइट्रियम। देखिए सोडियम को किससे, सोडियम को किससे दर्शाते हैं? Na से दर्शाते हैं। तो Na का नाम क्या है? नाइट्रियम। Na से क्या आ गया? नाइट्रियम, और इसको बोलते हैं हम सोडियम। तो सोडियम का जो लैटिन नाम है वो आपका नाइट्रियम है। क्या है? सोडियम का लैटिन नाम जो है वो क्या है? सोडियम का लैटिन नाम है नाइट्रियम। चलिए बी नंबर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े एक बार शेयर कर देंगे ताकि सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुँच जाए। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं, तो हमारे साथ आप लास्ट तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या करना है आपको? हमारे साथ लास्ट तक क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व तो कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता, बताइएगा। प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा जो तत्व होता है कभी जो मुक्त रूप में नहीं पाया जाता, बताइए कौन सा जो है मुक्त रूप में कभी नहीं पाया जाता है? तो देखिए जितने भी जितने भी नोबल धातु होते हैं ना, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे चांदी प्रकृति में मुक्त पाया जाता है, सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, प्लेटिनियम जो है ये भी प्रकृति में क्या है दोस्तों, तो ये भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोडियम जो होता है ना, सोडियम ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। सोडियम आपका क्या? सोडियम आपका मुक्त अवस्था में कभी भी नहीं पाया जाता है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या होगा राइट आंसर, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किस में किया जाता है, जो वाशिंग सोडा है इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, चलिए बताइएगा सभी लोग। हाँ सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी साथी जुड़े हुए सभी लोग बताएंगे आंसर, वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किस में करते हैं। तो देखिएगा, वाशिंग सोडा का इस्तेमाल कपड़ा धोने में करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं कठोर, क्या है, कठोर जल को नरम करने के लिए। क्या दोस्तों, जो कठोर जल होता है, क्या होता है, कठोर जल को नरम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है, आपको बताना है। क्या बताना दोस्तों, आपको आपको बताना है कि टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है, चलिए बताइएगा। हाँ देखिए, टूथपेस्ट में एक सामग्री नहीं है, वो तो बता रहे हैं। देखिए टूथपेस्ट में आपका फ्लोराइड भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आपका नहीं होता है। क्या नहीं होता दोस्तों, सोडियम जो कार्बोनेट है, क्या सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका नहीं होता। तो टूथपेस्ट की सामग्रियों में कौन सा कौन नहीं होता है, तो टूथपेस्ट की सामग्री में जो नहीं होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सोडियम कार्बोनेट टूथपेस्ट की सामग्रियों में नहीं होता। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है कि कास्टिक सोडा का, हाँ कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। इसको लिखते कैसे हैं देख लीजिएगा, NaOH, क्या NaOH लिखते, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कास्टिक सोडा। क्या दोस्तों, ये आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है, बताइएगा। हाँ केरोसिन में, किसमें, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है वो आपकी संग्रहित होती है, ये आपको बताना है। तो ये संग्रहित होती है आपकी पोटेशियम और सोडियम, कौन सी धातु, हाँ केरोसिन के तेल में जो है संग्रहित होती है पोटेशियम और सोडियम। आप समझिए, हम पोटेशियम और सोडियम को क्यों संग्रहित कर रहे हैं केरोसिन के तेल में, इसलिए संग्रहित कर रहे हैं कि बाहर रहते हैं ना, बाहर जब रहते हैं ये स्वतंत्र रूप से, तो किसी न किसी से अभिक्रिया कर लेते हैं, क्योंकि पोटेशियम और जो सोडियम है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। क्या दोस्तों, पोटेशियम और सोडियम जो हैं बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण इनको हम केरोसिन के तेल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा निम्न लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है, अगर किसी को एसिडिटी है, क्या है, किसी व्यक्ति को एसिडिटी है तो उसको क्या देना चाहिए जिससे उसका एसिडिटी जो है ठीक हो जाए, तो बेकिंग सोडा का घोल, क्या देना चाहिए, बेकिंग सोडा का घोल देना चाहिए, जिससे क्या है दोस्तों उसकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसको, हाँ उसकी जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाएगी, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, बताइएगा। चलिए तो राइट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, हाँ धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, 5, 10, 8, 7, चलिए हाँ बताइएगा, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो ये उपस्थित होते हैं 10, कितने अणु उपस्थित होते हैं, 10 अणु उपस्थित होते हैं, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, Na2O क्या है, हाँ Na2O एक ऑक्साइड तो है, हाँ देखिए ऑक्साइड तो है सिंपल, लेकिन किसका है, कौन सा ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है, निष्क्रिय है, अम्लीय है, उभधर्मी है, ये आपको बताना है। देखिए ऑक्सीजन लग गया जिसमें ना, तो ऑक्साइड होता है, इसमें ऑक्सीजन लग गया है ना, जिसमें Cl लग गया क्लोराइड हो गया। अब देखिए तो ये क्या है Na2O, तो बताना है, तो ये आपका ना क्षारी है। अब कैसे समझ में आ गया क्षारी है, देखिए सोडियम जो होता है ना, देखिए
एक चीज़ और हम आपको बता दे रहे हैं, जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और जितने भी अम्लीय ऑक्साइड हैं, जितने भी अधातु के ऑक्साइड हैं, ठीक है, धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे। क्या होंगे? धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे, और जितने भी अधातु के ऑक्साइड होंगे वो होंगे अम्लीय होंगे। क्या होंगे? अम्लीय होंगे। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होंगे? अम्लीय होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये सोडियम धातु है, तो धातु के ऑक्साइड हो जाएंगे क्षारीय। तो ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों आपका? तो आपका क्वेश्चन क्या है, जो दूध वाला है, क्या दोस्तों, दूध वाला, क्या क्वेश्चन, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्या करता है? थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्यों मिलाता है ये, हाँ रीजन बताना है। और जितने भी साथी जुड़े लाइक ज़रूर करें भाई। देखिए आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है भैया, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर किया करें। चलिए बताइएगा, जितने भी साथी देख रहे हैं बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो दूध वाला होता है ताज़े दूध में क्या थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो वो इसलिए मिलाता है कि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, कि दूध क्या है, दूध में अम्ल ना जम जाए, दूध फट ना जाए, इसलिए दूध खराब हो जाता है ना, दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए। ए नंबर राइट आंसर होगा, वो बेकिंग सोडा इसलिए मिलाता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी साथी, हाँ जितने भी लोग ए नंबर किए हैं सभी का सही है। नेक्स्ट देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, सोडियम सल्फेट किसका, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र बता देते हैं आपको क्या होने वाला है। चलिए देखिए, तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होगा Na2SO4। क्या हो जाएगा? Na2SO4 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम फास्फेट, क्या है, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? बताइएगा, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा, 19 का क्या राइट आंसर होगा? तो कैल्शियम फास्फेट का जो आणविक सूत्र हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्राइज। हाँ देखिए, फास्फेट की अगर हम बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, हाँ अगर हम फास्फेट की बात करते हैं PO4, तो PO4 को अगर हम लिखते हैं तो PO4-3 इसको ऐसे लिखते हैं, और कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम क्या है, दूसरे समूह का है, तो इसका जो होगा संयोजकता 2 और इसका संयोजकता है -3, तो -3 PO4 का यहाँ पर आ गया और कैल्शियम का यहाँ, इस तरह से इसको लिखते हैं। तो ये आ जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, PO4 क्या आ गया, फॉस्फेट। तो ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है, हाँ मतलब जल में जो नहीं घुलता, बताइएगा कौन जो है जल में घुलनशील नहीं है, बताइए कौन जो है जल में घुलनशील नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से जो जल में घुलनशील नहीं है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट जो है जल में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में जो होता है क्लोरीन होता है, क्या होता है, क्लोरीन होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर को हम कहाँ डालते हैं, जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, जहाँ हमको बैक्टीरिया को मारना है वहाँ पर हम क्लोरीन डालते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है तो क्लोरीन डालते हैं हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चाक का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा चाक, हाँ चाक का रासायनिक नाम क्या है, तो चाक का रासायनिक नाम है कैल्शियम नाइट्रेट है, क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है चाक का रासायनिक नाम, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है, बताइएगा
कौन जो है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है? हाँ, बुझा हुआ चूना। देखिए, जिसमें एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, बुझा हुआ चूना बताइए क्या हो जाएगा, पहले आप बताइए आंसर इसमें। हाँ, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा, सी ए ओ या क्या है? तो चूना पत्थर है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? चूना पत्थर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता, बताइएगा कौन सा है जो प्रकृति में कभी भी हाँ मुक्त रूप से नहीं पा सकते हो? देखिए, कापर आपका जो है, देखिए कापर तो ये मिलता है, चांदी मिलता है, सोना भी मिलता है, कैल्शियम नहीं मिलता है। जितने भी जो नोबल धातु सब मिलते हैं, कापर चांदी सोना, देखिए कापर चांदी सोना ये क्या है? सिक्का धातु हैं, तो ये प्रकृति में क्या है? मुक्त अवस्था मिलते हैं। लेकिन जो कैल्शियम है, समूह दो में है, जो दो में आता है, ये नहीं मिलता। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक की बात करोगे तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20 और परमाणु द्रव्यमान है 40। तो ये कापर का अगर बात करें तो इसका कापर का परमाणु क्रमांक है 29, चांदी का परमाणु क्रमांक है 47 और इसका सोना का परमाणु क्रमांक है 79। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र, मतलब बुझा हुआ नहीं है, क्या बुझा हुआ नहीं है? तो अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र मतलब पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है? अनबुझे चूने का कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, तो ये है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा। अब बताना है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम बताना है, सूत्र में नहीं बताना है। हाँ, अब उसका नाम बताना क्या हो जाएगा? तो अभी अभी बता चुके हैं, बोले हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी साथी जितने भी हमारे साथी बी नंबर किए हैं, सभी का सही हो जाएगा, क्या होगा? जितने भी साथी बी नंबर किए हैं, सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, चूना CaOH2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना सके? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर क्या कर ले वो? कैल्शियम कार्बोनेट की, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना ले, बताइए किसके साथ करता है? तो वो करता है दोस्तों CaO2 के साथ, किसके साथ? CO2 के साथ करता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है, बताइएगा? कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा आपको बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र, हाँ राइट आंसर बताइएगा। तो इसका हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का जो आणविक सूत्र है, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का जो आणविक सूत्र है CaO होता है, क्या होता है? CaO। अगर बुझा चूना पूछेगा तो बुझा चूना का सूत्र हो जाएगा CaOH, क्या होगा? CaOH2, ये बुझा चूना का है। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या बताना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, देखो तीन वाला नहीं होगा, जो तीन है ना, अब तीन वाला क्यों नहीं होगा समझिएगा, बता रहे हैं हम। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती? दो, तो यहाँ पर दो ना रहना चाहिए, तो ये वाला सही होगा। देखो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती? दो। और OH की जो संयोजकता है ना, OH माइनस होता है, तो OH की संयोजकता होती एक, तो इसीलिए कैल्शियम के साथ क्या लिखा है? एक। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं जिप्सम को, जिप्सम को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट, आप समझिएगा। जो जिप्सम में क्या होता है, पानी जो होता है दो भाग होता है, पानी कितने भाग होता है? पानी का मात्रा होता है दो भाग, तो दो पानी कहाँ पर है? ये हो जाएगा। आपको अगर सूत्र नहीं भी पता तो जानकारी हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा आपका। देखिए कैल्शियम, अब बता देते हैं और सूत्र कैसे लिखते हैं। देखिए कैल्शियम, अब बोल रहा है सल्फेट, ये बोल रहा है कैल्शियम सल्फेट बोला है,
कैल्शियम की संयोजकता है 2+2 और सल्फेट की संयोजकता भी -2 है। अब दोनों को लिखेंगे तो 2-2 तो कट जाएगा, तो सिंपल से आ जाएगा कैल्शियम लिख दो और सल्फेट लिख दो। चाहो तो इसको कोष्टक में लिख सकते हो, नहीं लिखना तो नहीं भी लिखो, क्योंकि कोष्टक में तब लिखते हैं जब कुछ यहाँ 2-3 लिखना है, तो कुछ तो है नहीं। तो इस प्रकार से लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट, और जिप्सम में पानी कितना होता है, तो 2 भाग पानी होता है। कितना पानी होता है सल्फेट में, 2 भाग पानी होता है सल्फेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, चलिए बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। हाँ तो देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, देखिए सूत्र वही है, कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम में, कॉपर सल्फेट में जो नीलत होता है उसमें भी नीलत होता जो होता है उसमें भी कॉपर सल्फेट होता है, जिप्सम में भी कॉपर सल्फेट होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी कॉपर सल्फेट होता है। बस क्या है, पानी का मात्रा चेंज होते जाता है। अब यहाँ पर बता दें, जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा, क्या आएगा, जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा तो पानी की मात्रा आधा हो जाएगा, 1/2 H2O। कितना हो जाएगा, 1/2 H2O हो जाएगा पानी की मात्रा। तो देखिए अब ध्यान से आपको समझना है, क्या करना दोस्तों, ध्यान से आपको समझना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होगा कैल्शियम सल्फेट आधा पानी, क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट और हाफ जो हो जाएगा पानी, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसको बोलते हैं, मतलब आधा भाग पानी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है, ऐसा जो किसके निर्माण में के कारण होता है, बताइएगा किसके निर्माण के कारण जो है ऐसा होता है, ये आपको बताना है। तो ये जो होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण ऐसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, बताइएगा कौन है जो ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया जो है नहीं करती, आपको बताना है, चलिए बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन से जो धातु है, बताइए कौन से धातु है, तो ठंडे या गर्म पानी के साथ जो अभिक्रिया नहीं करती है तो वो है दोस्तों आपका एल्युमिनियम। देखिए सोडियम और पोटेशियम तो इतने क्रियाशील हैं, इसीलिए इनको किस में रखते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन तेल में रखते हैं। कैल्शियम बहुत प्रतिक्रियाशील है लेकिन एल्युमिनियम प्रतिक्रियाशील उतना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है, बताइएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो धातु है आपका वो क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाले धातु की अगर बात करें एल्युमिनियम, देखिए पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अगर परमाणु पूछे तत्व पूछे तो आपको बताना है ऑक्सीजन, लेकिन धातु लगा देता है जब तो आपको एल्युमिनियम बताना है, क्योंकि ऑक्सीजन धातु नहीं है। क्या पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है लेकिन धातु पूछ रहा है, इसलिए हमको एल्युमिनियम लगाना है क्योंकि ऑक्सीजन तो धातु है नहीं। अब यहाँ पर एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक पूछ देगा 13 बताना है, जस्ता का परमाणु क्रमांक 30 होता है, कॉपर का 29 होता है और सीसा का 82 होता है। क्या होता है, सीसा का लेड PB प्लम्बम, सीसा क्या होता है परमाणु क्रमांक 82। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 का होल थ्राइज के द्वारा हम क्या करते हैं दर्शाते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। अब सूत्र कैसे लिखते हैं इसको हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख लो एल्युमिनियम, यहाँ पर आप लिख लो सल्फेट। अब सल्फेट का होता है संयोजकता -2, एल्युमिनियम का होता है 3, तो एल्युमिनियम वाला 3 सल्फेट में चला जाएगा और सल्फेट वाला 2, जो सल्फेट का जो 2 है एल्युमिनियम में कैसे लिखेंगे, Al, सल्फेट का 2 है तो एल्युमिनियम में आ गया और जो एल्युमिनियम का 3 है वो चला गया सल्फेट में, तो ये आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है, जो Al2SO4 का होल थ्राइज है इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से, किस नाम से जानते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लाए हूँ बहुत ही शानदार ई बुक,
जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है दोस्तों, इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बायलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं, 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 101% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रख लेना है बच्चा, इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा, पूरा साइंस में रख दिया जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहा है, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो तो दोस्तों क्या होता है जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे 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 करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रट जाती है, मौखिक चालीसा रट जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। एक मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा, पहली बार में आप रटो, रटने की बच्चा कोशिश करो क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको बस इतना समय देना है बच्चा, इतना पढ़ के आओ, आधा आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा, यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल रट जाएंगे, 21-22 दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा, जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सेलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल दो से तीन क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा चालीसा आपके लिए। आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा, अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30-40 दिन बचे हैं बस, ये मौका मत गंवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए आप, देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना, आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको क्योंकि क्वेश्चन रटना है बच्चा, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बैठना है क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल से एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है, अब बच्चा समय है, अब आपको रिविजन करना है, आपको बार बार रिविजन करना है, जब तक रिविजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे, समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है, उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार ट्रस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा, यकीन मानिए बच्चा आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7-8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं, और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा है कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी डिटेल है कोई भी आपको समस्या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा,
ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइपिस्ट ने टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। अब जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको उससे लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है, इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा। कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए इस बार, बिल्कुल ठान लो। तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी, और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा। 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है। आप करके देखिएगा, आपको मज़ा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरु को प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई।